दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है और सरप्राइज है हमारे लिए कि हम पहले सोचते थे कि पंजाब, जो रेशनल सोसाइटी पंजाब है, उसने फील्ड में बहुत काम किया और हम जानते हैं कि उन्होंने कुछ चुनौतियां रखी हैं जिनको पूरा करने में 1 करोड़ का इनाम भी है और पिछले 35-36 साल से वो काम कर रहे हैं। इसी तरह श्याम मानव जी की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, हम उनके बारे में भी जानते हैं और अक्सर हम लाइव में बात करते हैं और आस्था मुक्ति चैनल पे और इस हेमंत साइंस चैनल पे हमने वीडियो भी बनाए हैं उनकी। लेकिन 2 दिन या 3 दिन पहले हमें बहुत हैरानीजनक और बहुत खुशी वाली खबर मिली कि इसी तरह के बहुत सारे संगठन और काम कर रहे हैं जिनके बारे में हमें सच में नहीं पता था। अभी कुछ दिन पहले हेमंत जी को एक मेल आई कि उनको कोई संस्था गुजरात की सम्मान देना चाहती है। 13 तारीख का प्रोग्राम था तो कुछ पुरस्कार देना चाहती थी और प्रमाण पत्र देना चाहती थी। तो उनसे मेरी बात हुई और मैंने जो जाना, मुझे सच में हैरानी हुई कि ऐसा काम हो रहा है और पिछले 28 साल से 94 से काम कर रहे हैं वो, और 94 में उस संस्था का संगठित हुई और उसके बाद 2002 में उन्होंने रजिस्टर्ड किया उसको और 2002 में ही उन्होंने 1 लाख का इनाम रखा जो चुनौतियों का था, और जो इनाम इस वक्त 1 करोड़ का है। और उनके साथ कई और संगठन भी काम कर रहे हैं और संगठन मानवतावादी नजरिए से काम कर रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। मैं हमेशा इन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि हमें तर्कशीलता या नास्तिक बात से ज्यादा मानवतावादी दृष्टिकोण से इन चीजों को करना है। तो उनकी जो संगठन की टैगलाइन है वही बहुत अच्छी है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचिए और प्यार से कहिए मैं इंसान हूं। और उनका जो जो काम कर रहे हैं, मानवीय मूल्यों का प्रसार प्रचार, अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, समाज के पीड़ित लोगों के लिए काम करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, संस्था के मकसद को हासिल करने के लिए तर्कशील लोगों को शिक्षित करना, वर्कशॉप आयोजित करना, तर्कवादी लेखकों के लेखों और पुस्तकों को पब्लिश और वितरित करना, तर्कशीलता के क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को मोटिवेट करने के लिए पुरस्कार देने, हर वर्ग हर समाज के लोगों को जोड़कर मानवतावादी समाज का निर्माण करना और अमानवीय प्रवृत्ति और घटनाओं के खिलाफ मुहिम चलाना। और इस संगठन की अब तक की जो प्राप्तियां हैं, जहां भी इनके आसपास संगठन के जो इनका गोंदरा गोदरा इलाका है गुजरात में ज्यादा काम करते हैं, तो जहां भी चमत्कार होते हैं वहां जाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांच पड़ताल करके झूठ का पर्दाफाश करते हैं। अभी तक 50 से ज्यादा बड़े चमत्कारों का पर्दाफाश किया है इन्होंने और सैकड़ों किस्म के छोटे चमत्कार या रहस्य जो आसपास होते हैं कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, उन चीजों की वो सच सामने लाया उन्होंने और लोगों को जागरूक किया। और आज तक उनके आसपास के एरिया में, जहाँ उनकी जहां तक उनकी पहुंच बनती है, वहां तक ऐसे कोई भी चमत्कार या घटना नहीं है जिसके पीछे का सच उन्होंने लोगों को नहीं बताया, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। संस्था ने देश और दुनिया भर के चमत्कारी गुरुओं, बाबा संतों और जितनी भी तांत्रिक ज्योतिष सम्राट होते हैं, इनके सामने कुछ आसान चुनौतियां रखी। ऐसी चुनौतियों के बारे में आप जानते हैं पहले कि वो तर्कशील भारत ने तर्कशील सोसाइटी पंजाब जो अब भारत बन चुकी है और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन वालों में रखी हुई है, तो उन्होंने जी जी चुनौतियां रखी जिनमें से एक को पूरा करने पे पहले 1 लाख का इनाम था, अब 1 करोड़ का इनाम है। तो इनमें अब तक तो कोई जीत ही नहीं पाया और इनाम अगर 10 करोड़ या 100 करोड़ भी कर दिए जाए तो जीतना तो है नहीं किसी को भी। तो जे अभी तक किसी ने कुछ लोगों ने चुनौती स्वीकार की लेकिन माफी मांग के बाद में वो उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली। तो एक जिला है पंचमहल, जिसमें औरतों को डाकन या डायन कहकर उन पे जिस्मानी अत्याचार या सामाजिक उत्पीड़न होता था, तो उस इस संस्था ने उसको खत्म किया उस जिले में। और एक बाबा बहुत बड़े हुए हैं, काली कमली वाला बाबा, जिनके लाखों भक्त थे, बेको बनाता था, उसे कानून के मुताबिक सजा दिलाई गई। एक डामुली माता के नाम से मशहूर और डोंगी था जो लोगों लाखों भक्तों को मूर्ख बनाता था, उसमें भी कानूनी कार्रवाई करके उसके प्रोग्राम जो आयोजन करता था, अंधविश्वास के प्रोग्राम होते थे चमत्कार दिखाने के, जब कुछ और होते हैं उनके, तो उनको बंद करवाया। और संगठन जो है गरीब बच्चों के लिए पिछले 12 सालों से कोचिंग क्लास चलाता है गरीब बच्चों के लिए, और संस्था के जो लोग हैं जो टीमें बनाकर आसपास के गांवों में बहुत दूर दूर तक जाते हैं और उनको बताते हैं कि तांत्रिक क्या करते हैं, जहाँ अंधविश्वासों के पीछे जहाँ चमत्कारों के पीछे सच्चाई क्या होती है। और ऐसे बहुत सारे लोगों के जो सवाल होते हैं मौके के मुताबिक, जैसे गांवों में तो अंधविश्वास ज्यादा ही होता है, तो उनकी उनको ये जागरूक करते हैं
ये लगातार जैसे दूसरे संगठन भी करते हैं और ये भी करते हैं। और पिछले दो साल से ये हर रात को, हर बुधवार की रात को एक ऑनलाइन सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं उसको, ऑनलाइन बहुत सारे तर्कवादी मुद्दे और मानवतावादी मुद्दे भी जो भी होते हैं वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा वो स्कूल और कॉलेजों में बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, जैसे नाट्य पर अरमांतर जहाँ वैसे भाषण दे के जहाँ बहुत सारे तरीके और होते हैं अवेयरनेस के लिए, तो जैसे स्कूलों कॉलेजों में भी स्टूडेंट को जागरूक करते हैं। और इस संस्था के साथ 5 मेन संगठन और भी हैं काम कर रहे हैं, जिनके 10-20 लाख-30 लाख ऐसे इनाम हैं, जो कि टोटल लगे देखा जाए तो कई करोड़ रुपया इनाम तो सिर्फ इनके संगठन के पास ही मिल जाएगा किसी को एक चुनौती स्वीकार करने में। और इन संगठन इस संस्था के जो प्रमुख हैं डॉक्टर सुजात वली जी MD हैं, और जो सारे संगठन को मैनेज करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, लोग लिंक बनाते हैं सबके साथ, चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, वो अविनाश मिस्त्री जी। तो बाकी वो खुद ही आके बताएंगे इन चीज़ों के बारे में, इनका फील्ड में क्या तजर्बे हुए, इन चीज़ों के पीछे क्या सच्चाई होती है, वो सारी बातें अब उनके सामने बात करेंगे, वो खुद बताएंगे। और फील्ड में काम करने वालों के पास बहुत तजर्बे होते हैं, बहुत सारे केस हल किए होते हैं, वो ज़्यादा फैक्ट के साथ बता सकते होते हैं कि ये असल में होता क्या है सारा कुछ। ठीक है जी, तो जी जी बुलाइए सर। जी जी सर, तो दोस्तों हम स्वागत करते हैं हमारे डॉक्टर साहब सुजात वली जी का। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, सॉरी, उन्होंने हमारे अपने चैनल को प्रमाण पत्र तो दिया ही है, उन्होंने बुलाया था 13 तारीख को, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, नौकरी होती है और नहीं जा पाए, तो वो प्रमाण पत्र दिया और 10,000 की अमाउंट दी है चैनल को, और एक तर्कवादी संगठन से 10,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि आस्था के आधार पे तो बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है, बिना आस्था के कोई संगठन पैसा नहीं इकट्ठा कर सकता, और तर्कशीलता के नाम से तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, कोई धार्मिक संगठन तो लाख भी दे दे, 10 लाख भी दे दे, क्योंकि जनता का ही पैसा है, जनता वहाँ लुटने को तैयार रहती है, ढेर लगा देती है, तो इनकी तरफ से जो मिला वो लाखों रुपया कह सकते हैं उसको हम, क्योंकि इन चीज़ों के लिए पैसा जनता नहीं देती। ठीक है जी, वेलकम सर डॉक्टर साहब। साथ ही हमारे अविनाश जी भी हैं, आ चुके हैं, वेलकम सर। थैंक यू, शुक्रिया सर। मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, फिर ट्राई करता हूँ मैं हिंदी में ही बोलने का। मुझे सबसे पहले बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, आप लोगों को सुन के। मैं हमारी बहुत सी प्रवृत्ति में से एक प्रवृत्ति कॉलेजेस में और स्कूल में हमारे लेक्चर्स होते हैं, तो एथिज्म के होते हैं, रैशनलिज्म पे होते हैं, तो मैं बात करता हूँ उसी लेक्चर की शुरुआत से, शायद जी किसी को अगर इतराज हो तो मुझे बीच में अटका सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं ऐसे कृपालु परम तत्व को नहीं मानता और मानने के लिए तैयार नहीं, जो सोना 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जाता है, सीसा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से पिघल जाता है। वहाँ मैं हिरोशिमा में देखा कि 1945 में जब वहाँ एटम बम गिरा तो 8:15 का टाइम था, सब नाश्ता कर रहे थे, चाय पी रहे थे, और एटम बम की गर्मी की वजह से जिसने क्रिएट किया 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पवन आग फैल रही थी और बच्चे मर रहे थे, जल रहे थे, जिंदा जल रहे थे, माएं जल रही थी, बहनें जल रही थी, और तीसरा चीज कर रहे थे पूरा हिरोशिमा। मैं खुद वहां गया हूँ हिरोशिमा में, बातें सुनी कि चीखों से भर गया था, और सबसे ज्यादा अगर दुख होता है, पीड़ा होती है तो जलने की वजह से, और जब जिंदा जलते हैं तब कितनी पीड़ा हुई हो। कोई परम कृपालु परम तत्व अपने बच्चों को ऐसे मानने देगा? और ईश्वर वो परम तत्व के इच्छा के विरुद्ध पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वहां कैसे उन लोगों ने 1 लाख लोग करीब 10 से 15 मिनट में जल चुके थे और खराब तरीके से वो मरे। और 4-5 दिन के बाद जो हिरोशिमा में पत्रकार गए तो वो ढगों में थोड़ा हलचल, मानव जो शबे पड़े थे वह हलचल दिखती थी, कुछ लोग आधे चले हुए थे, किसी को रक्त भेजा था, सूखा हुआ रक्त था, किसी के मांस के लोचे लबड़ रहे थे। तो ऐसी भयानक अगर
कोई अपने कोई पिता समान कोई ऐसी शक्ति अगर है तो ऐसा मुमकिन है, ऐसा वो ऐसा करने देगा, ऐसा कर सकता है। 1945 से पहले हिटलर के कंसंट्रेशन का 2.5 साल तक खाना नहीं मिलता था वहां, जब कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को रखा था, वो हार्ट पिंजर के जैसे हो गए थे। कितने फोटोग्राफ्स हमारे पास, हम हमारे लेक्चर में बताते हैं, वो लोग अंत में भूख और प्यास से एक दूसरे को बच के बने काटने लगे थे, और एक दूसरे का भाई बहन एक दूसरे का मांस खाते थे, एक दूसरे का मलमूत्र का खा लेते थे, क्योंकि उनके उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। बोलते कि उनके दरबार में अंधेरे देर है मगर अंधेर नहीं है। तो 2.5 साल तक ऐसा परम कृपा रहो, ईश्वर को पता नहीं चला कि क्या वहां हो रहा है, उसने बचाया नहीं, किसी को बचा नहीं सकता था। ऐसे ईश्वर को हमारे किसी को हमें किसी को जरूरत नहीं, और मैं नहीं मानता, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। तो अगर वेरी गुड। धर्म ही अगर विकास कर सकता है, तो यहाँ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जैसे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ब्रह्म देश, वो अगर विकास की होड़ में आगे होते हैं, और हम 188 डेज की जो गणना होती है ह्यूमैनिटी इंडेक्स में, पीछे से हमारा नंबर 8वां, 5वां, 4था, 10वां, 15वां, 20वां आता है। क्यों? क्योंकि हमारे हमारे समाज धर्म के अंधश्रद्धा के चक्र में जड़ चुकी है, वो अब बाहर नहीं आती, और इसीलिए वो वैज्ञानिक अभिगम स्वीकार नहीं करती, और इसीलिए बेसिक रिसर्च कहाँ 2% 3% होता है हमारे यहाँ बेसिक रिसर्च, बाकी टप्पो मार रट्टा मारते, बाकी कॉपी कर लेते। तो वैज्ञानिक अभिगम नहीं विकास होता, क्योंकि हमारे समाज पूरा धर्म के चुंगल में चक्र में फंस गया है। इसलिए मैं स्ट्रांगली मानता हूँ कि अगर धर्म को बाजू में रखेंगे तभी विकास होगा। अगर विकास हुआ है, हम यहाँ बैठे हैं, ये इतना इतनी अच्छी तरह बैठे, एक दूसरे को सुन सकते, एक दूसरे को देख सकते, एक दूसरे को मोबाइल में, मेरा बच्चा अगर 18,000 किलोमीटर दूर है फिर भी 2 मिनट में मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ, तो क्या मोबाइल, वो ये सब साइंस की वजह से हुआ है। फर्स्ट 5 फैक्टर्स विच हेल्प अस टू डेवलप एंड टू रीच अप टू दिस स्टेज, साइंस एंड एजुकेशन, साइंस एंड एजुकेशन, साइंस एंड एजुकेशन, साइंस एंड एजुकेशन एंड साइंस एंड एजुकेशन ओनली, नो रिलीजन हैज हेल्प्ड अस इन अवर डेवलपमेंट। रिलीजन ने हमें बाधित कर रखा है, हमें बैकवर्ड धकेल दिया है, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। तो ये मेरा पहला बिल्कुल वो है मुद्दा। ऐसे बहुत से मुद्दे है, कहते हैं कि रिलीजन ने साइंस ने क्या हमें दिया है, साइंस ने हमें अच्छे जीने की सहूलियत दी है। हम मैं यहाँ बैठा हूँ अच्छे रूम में, तो छत के मुझे चिंता नहीं है, तो सेफ्टी दी है साइंस ने, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल पे ये मकान बना, इसलिए मैं सेफ। साइंस से खो जाए ये जो मैं बोलता हूँ वो आप तक पहुंचता है, साइंस ने खो जाए ये कपड़ा, इसलिए मैं अच्छे कपड़े सहूलियत से पहन रहा हूँ, साइंस ने मुझे कॉन्टेक्ट लेंस दिए इसलिए मैं अच्छी तरह देख सकता हूँ, साइंस ने ये टीवी दिया है जो मैं दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी कैसी भी घटना बनती है मैं सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ विद इन मिनट्स। साइंस ने मुझे मोटर कार दी है जो यहाँ से एक शहर से दूसरे शहर में जा सकता हूँ, साइंस ने प्लेन दिए जो मैं एक कंट्री से दूसरी जगह, साइंस ने लॉन्जेविटी दिए, पहले 1945 में इंडिया में सरेराश आयु जीवन जीने की 47 ईयर्स थी, आज 72 ईयर्स तक बढ़ चुकी। क्यों? क्योंकि अच्छे डेवलपमेंट मेडिकल साइंस में हुए, मेडिकल टेक्नोलॉजी में हुए, इसलिए हम अच्छी तरह जी सकते हैं। कैंसर के पेशेंट भी अच्छी तरह खेल सकते हैं, योगी की तरह फुटबॉल भी प्ले कर सकते हैं, टेबल टेनिस भी प्ले कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, और मेडिकल साइंस की वजह से लोग बच जाते हैं, हार्ट अटैक आता है तो भी बच जाते हैं और अच्छी लाइफ जी सकते हैं, और ये सहूलियत भी देता है साइंस, और हमें आराम से एंटरटेन भी देता है, और हम हमारी जिंदगी अच्छी तरह आनंद से जी सकते हैं, ऐसी सहूलियत ओनली साइंस हैज ऑफर्ड। कोई रिलीजन ओनली भ्रमणा देती है, भ्रामक गलत भ्रमणा, भ्रामक सुख देती है, भ्रामक चैन देती है, रियल चैन नहीं होता। हाँ तुम गरीब हो बिल्कुल तुम्हारे नसीब में होगा, और बिल्कुल इससे मान के अगर आगे चलेंगे तो कोई डेवलप नहीं करेगा, वो हाथ नहीं चलेगा, वो मेहनत नहीं करेगा, आदमी विकास नहीं करेगा, वो रिसर्च नहीं करेगा। आज अगर वेस्टर्न जगत में कुछ भी अगर तो होता है, स्टूडेंट सोचता है ये क्यों होता है, मेरे आसपास ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो सोचता है, दैट इज बेसिक साइंस साइंटिफिक एटीट्यूड। हम ये पूरे हमारे आसपास जो बस्तियां है,
स्कूल से, कॉलेज से, सभी में ये हम लेक्चर लेते। हमने कितनी शॉर्ट फिल्म बनाई, डार्विन पे, आइंस्टाइन पे, ह्यूमन इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे शॉर्ट फिल्म 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक की बनाई, करीब 9 फिल्म बनाई। वो बेसिक गुजराती में हमने बनाई, इसलिए क्योंकि हम पहुंच सकते हैं छोटे गाँव में छोटे बच्चों को समझाने के लिए। इंग्लिश में बनाएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो ये हमारा एक एटीट्यूड, कंसदा के खिलाफ भी रहते हैं, हमारे लेक्चर्स भी होते हैं, और साइंटिफिक एटीट्यूड उसका सपोर्ट लेके कि मेरा अगर लेक्चर है, हमारा प्रोग्राम है, तो 30 मिनट्स हम साइंस के लिए समझाते हैं, व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज यूनिवर्स, कैसे यूनिवर्स में क्या क्या घटनाएं होती है, ग्रहण कैसे होता है, ये सब सूरज क्या है, ग्रह अन्य ग्रह कैसे होते हैं, ब्रह्मांड पे हमारे हमारे पास फिल्म से तो वो दिखाते हैं, और 50% टाइम हम अंधश्रद्धा के विरुद्ध में देते हैं कि अंधश्रद्धा क्या है, साइंस और रिलीजन, उस पर हमारा मेरा लेक्चर होता है, हमारे साथियों का भी लेक्चर होता है। तो हम ऐसे कहते, जैसे मुझे जेल भी जाना पड़ा इसी बात में, ठीक है वो एक अलग बात है। मैंने बोला था कि कबर पे जो आप श्रद्धा रखते हैं, कबर को 3 महीने के बाद फूट के निकालो तो अंदर कुछ अस्थियां, कुछ मांसपेशियों के टुकड़े निकलेंगे जिसमें एनर्जी नहीं होती। वो जिसमें कुछ एनर्जी नहीं होती, वो अपना किसी ह्यूमन को कैसे मदद करे, किसी ह्यूमन की अभिलाषा को पूरी कैसे कर पाएगा। आप किसी भी कब्र को कर ले, बांद्रा में कब्रस्तान है, वहाँ जगह की तकलीफ के लिए 3 महीने के बाद वहाँ फूट डालते, जहाँ मोहम्मद रफी जी को, फिर दूसरे बड़े बड़े फिल्म एक्ट्रेस को, नरगिस दत्त को दफनाया गया, वो 3 महीने के बाद फूट डालते, उसमें थोड़े से अस्थियों के टुकड़े होते, पुर्जे मांसपेशियों के टुकड़े होते, तो प्लास्टिक की थैली में अलग करके वो दरिया में बेच देते, वहां दूसरे को दफनाया जाता है। जहाँ कुछ कब्र के नीचे कुछ बचता ही नहीं, कुछ एनर्जी का स्रोत ही नहीं है, वहां से कुछ एनर्जी मिलने का कुछ संभावना ही नहीं है, वो हमारे जीवन को कैसे असर कर सकता है। करोड़ों किलोमीटर दूर ग्रह होते हैं, वो इतने ग्रह इतने दूर होते हैं, जो हमारे पे कुछ असर नहीं कर पाते डायरेक्टली। अगर असर कर पाते तो हमें, मेरे पास में राम और रहीम बैठे तो उनपे एक जैसी असर होगी। तो अलग अलग ह्यूमन पे अल्ग अलग अलग असर कैसे हो सकती। बल्कि जो 16 उस टाइम पे नोबेल प्राइज विनर थे, उन लोगों ने लिख के दिया था कि ये ग्रहों की कोई असर अलग अलग हमारे जीवन पे हो ही नहीं सकती, और पॉसिबल ही नहीं, और कभी भी नहीं होती। तो ऐसी बहुत सी बातें हम वहां जाके बताते हैं कि साइंस क्या है, कि खोजता है क्यों ऐसा है हुआ। कोई बच्चा 12 साल का मर जाता है और बोलता है कि मेरे छाती में दर्द था, मुंह में फिन निकल जाता है, तो वो धर्म क्या बताएगा। धर्म फुल स्टॉप करता है, आगे सोचना, ईश्वर को प्यारा था इसलिए ले लिया। साइंस ऐसा नहीं कहता, साइंस शो खोदता है क्यों इसका हुआ होगा। उसका पोस्टमार्टम किया गया, छाती में जितने भी ऑर्गन से, हृदय में तकलीफ थी, फेफड़े में तकलीफ थी, ब्लड वेसल में तकलीफ थी, इसी तरह 6 मोर देन 6 लेग डिजीजेस वेर आइडेंटिफाइड। तो साइंस ये कहता है क्यों ऐसा हुआ और कैसे हुआ। अरे धर्म क्या बोलता है कि कुल सब ईश्वर को प्यारा था ले ले लिया। अगर ऐसा ही मानते तो कुछ डेवलपमेंट नहीं होता। साइंस ने आज मोर देन 6 लेग्स डिजीजेस दे आइडेंटिफाइड, एंड सिम्टोमेटोलॉजी उन्होंने डेवलप किया, और फिर उन लोगों ने ट्रीटमेंट भी डेवलप किया। तो दिस इज साइंस, एंड दिस इज डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। वो एक कैनेडा में मैं रहता था तब, एक जगह एक्सीडेंट हुआ था, पर 3 एक्सपर्ट की टीम बनी, एक रोड के एक्सपर्ट थे, एक व्हीकल के एक्सपर्ट थे, इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, एक साइकोलॉजिस्ट थे जो ड्राइवर को समझता था। तो तीनों ने खोजना शुरू किया कि क्या कारण हो सकता है, दिस इज साइंटिफिक एटीट्यूड, और क्या कारण हो सकते हैं। उनमें से एक वीक में अंदर अंदर उन लोगों ने एक कारण डिसाइड किया, ये कारण हो सकता है, ये रीजन हो सकता है, ये रीजन हो सकता है, और उससे क्या इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, कैसे ऐसे एक्सीडेंट्स ना बने। और ऐसा यहाँ गोधरा के पास भी हुए, और यहाँ 15 किलोमीटर दूर एक जंक्शन था, एक कव था, वहाँ 1985 के पहले बहुत एक्सीडेंट होते थे, सब मानते हैं वहाँ भूत आता है, चीन आता है। गुजरात सरकार के एक अच्छे इंजीनियर आए, सिविल इंजीनियर, उन्होंने खोजा यहाँ जो कव है उसमें रास्ते का स्लोप अनसाइंटिफिक है। उन्होंने ही मेड करेक्शन, 1985 से अभी तक पिछले 40 साल में ओनली वन एक्सीडेंट इज टेकन प्लेस इन दैट एरिया। तो दिस साइंस, साइंस वाओ हेल्प्स अस इन डेवलपिंग
एंड ऑफरिंग द सेफ्टी एंड मेकिंग अवर लाइफ वेरी हैप्पी एंड एंटरटेनिंग एज वेल एज साइंस, सभी तरह से हमारे जीवन को उन्नत बनाते हैं, जीवन को समझ डॉक्टर साहब, एक धार्मिक देश में तर्कशीलता की बात करना भी बहुत विरोध होता है उसका, तो ऐसे में एक तर्कशील संगठन बनाना काफी रिस्की जोखिम का वाला काम है, तो आपने एक बनाने का जो विचार कब और कैसे आया आपके दिमाग में? देखो मेरा मेरा जन्म एक बोरा फैमिली में हुआ, बाय बाय बर्थ आई एम बोरी, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन सिंस माय चाइल्डहुड, मगर उसी टाइम से मेरी फैमिली रिफॉर्मिस्ट फैमिली थी, हम हमारे जो धर्मगुरु के सामने लड़ते थे फॉर सोशल रिफॉर्म्स, और तब भी हम चैलेंज करते थे कि एक आप 5,000 रुपये लेंगे और एक चिट्ठी देंगे कि कब्र में उसके साथ रखने का कि जिससे आपको जन्नत मिलेगी, तब हम चैलेंज करेंगे कि आप जन्नत कहाँ है वो हमें बताओ। तब से हमारा शुरू हुआ और ये फैमिली बैकग्राउंड हेल्प मी अलॉट। माई ग्रैंड फादर वॉज प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट रेशनलिस्ट इंडियन रेशनलिस्ट सोसाइटी, माय ग्रैंडफादर याया भाई लोखंडवाला, ही एस्टैब्लिश्ड रेशनलिस्ट इंडियन रेशनलिस्ट सोसाइटी, सो हमारी फैमिली में थोड़ी ये सब विचार थी, माय फादर इज रेशनलिस्ट, माय मदर वाज रेशनलिस्ट, माय ब्रदर इज रेशनलिस्ट, तो उसके पूरे फैमिली में, और हमने वो स्ट्रगल किया, तो हमने बहुत मार भी खाई, बहुत एट्रोसिटीज भी सहन की, अभी अब माय फैमिली वाज सोशली बॉयकॉटेड और वो सब थूकते थे, गालियां देते थे, गलत गलत फोन भी करते थे, तो स्टार्टिंग से ये माहौल बचपन से हमारा शुरू हुआ, और जब मैं मैच्योर हुआ, जब 18 साल का हुआ, तो मैं पक्का एथिस्ट भी था और रेशनलिस्ट भी था, तो तब से पहले से बचपन से ये सब हुआ, और तर्कशील ये संगठन बनाने का क्या एक जरूरी थी, क्योंकि हमारे जैसे बहुत से गोधरा में भी थे मगर वो एकजुट नहीं होते थे, कभी कभार कोई प्रोग्राम के बारे में इकट्ठे हो जाते, जैसे काली चौदस की रात दिवाली के पहले एक दो दिन पहले, और वो मानते सब लोग के कब्रस्तान में, और ये कब्रस्तान में नहीं सही मगर स्मशान में सब भूत प्रेत वगैरह इकट्ठे होते हैं, तो हमारे कुछ लोग मित्र सब इकट्ठे होते, तब संगठन नहीं था, और 10 से 12 आदमी इकट्ठे होते थे और लोगों के आंसर देते थे और भ्रम दूर करने की कोशिश करते थे, तब से हमने सोचा कि अब हम संगठन बना दे तो अच्छी बात है, फिर हमने संगठन बनाया, क्योंकि हम दूसरे को स्ट्रांगली रेजिस्ट कर सकते, नहीं तो ये धार्मिक समाज हमें जीने नहीं देगा, इतना टॉर्चरिंग करेगा, इतना हेरेसमेंट करेगा, कि मुकुंद भाई को भी किया, मुझे भी दबाने की बहुत सी कोशिश हुई मगर हम दबे नहीं और हम आगे बढ़े, और हमने संगठन बनाया कि ताकि हिम्मत आए, जिस हमारे जैसे सोच वाले की हिम्मत आए, और तभी हम अपनी सोच अपने विचार समाज के अलग अलग एरिया में फैला सकते हैं, इसलिए हमने संगठन बनाया। हमें लास्ट ईयर भी मुझे थ्रेट थी बाई वन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो पुलिस देमसेल्फ कम कैम फॉरवर्ड एंड मुझे सिक्योरिटी थी, मेरे हॉस्पिटल के आसपास सिक्योरिटी थी, हमने सब कवर किया विंडोज वगैरह ब्लैक पेपर से, कोई बाहर से शूट आउट नहीं करते, ऐसे होते हमारे भी थ्रेट होते और कोई भी मैं कमेंट अगर फेसबुक पे लिखा या ट्विटर पे लिखा तो 2-3 घंटे में उसके ओपोज ट्रोलिंग शुरू हो जाते हैं, बहुत से गालियाँ भी शुरू होते, फोन भी शुरू हो जाते हैं, तो होता है, और फिर भी हमने सोचा कि ये नहीं, हमें इंसानियत के लिए सच्ची बातों के लिए आगे बढ़ना है, ये सब विरोध सहन करना है, थ्रेट भी सहन करना है, एंड देन वील फाइट इट टुगेदर, इसलिए संगठन बना। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से बताया, और एक चीज़ मैं भी जोड़ना चाहूँगा, बहुत सारे जब लोग कहते हैं कि साइंस का ये नुकसान है, साइंस का वो नुकसान है, पर्यावरण को नुकसान है, ओजोन लेयर को नुकसान है, तो साइंस के बारे में अर्पित सर भी पहले बता चुके हैं कि साइंस को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। मैं तो ये देखता हूँ कि एक बच्ची थी, एक बच्चे की तस्वीर थी, एक वीडियो था, बहुत मार्मिक वीडियो था वो, और वो एक माँ थी, उसके उसके सीने पे कान लगा के ना धड़कन सुन रही थी, वो धड़कन असल में उस अपने मरे हुए बच्चे की सुन रही थी जो एक्सीडेंट में गुजर गया था, और उसका हार्ट उस बच्ची को लगाया गया था,
वो जो टाइम था, वो जो सीन था मेरे लिए, वो इतना इमोशनल था कि साइंस ने देखिए एक जा चुके बच्चे को भी जिंदा कर दिया उस माँ के लिए। वो उसकी धड़कन में अपने बच्चे को सुन सकती है, ये साइंस की बदौलत है। एक बच्चे के जन्म से ना होठ खराब थे, कटे हुए थे, ये कुछ प्रॉब्लम हो जाती है गर्भावस्था में महिलाओं को, तो बच्चे, यस हाँ, तो उसकी सर्जरी की गई उस बच्चे की, और उस बच्चे की जो स्माइल थी वो स्माइल देखने वाली थी। अगर साइंस ना होता और ऐसा ना कर पाते वो, तो उस बच्चे को पूरी उम्र जिल्लत उठानी पड़ती, और जिसमें कि उसका कोई दोष नहीं था। एक एक साइंस ने एक बच्चे को पूरी उम्र के लिए सर उठा के जीने की वजह दे दी। वो खुश रह सकता है, वो अपने आप को आईने में देख के खुश हो सकता है। कभी सोचो कभी इस बारे में भी, खाली साइंस को आके बकवासबाजी करना साइंस के बारे में कि साइंस ये है साइंस वो है। साइंस हमारी बेहतरी के लिए है। साइंस तो एक एक लोहार है, हम उससे तलवार बनवाएं या फिर हल बनवाएं खेती करने के लिए, वो तो वो बना के देगा। तो बहुत सारे लोग साइंस को नहीं समझते। मानव सर ठीक कहते हैं कि जिनको विज्ञान का अर्थ भी नहीं पता वो विज्ञान के बारे में बात करने आ जाता है, उनने विज्ञान के इसको एक धर्म की, एक मत की तरह लिया हुआ है। उनको पता नहीं विज्ञान शब्द क्या है, ज्ञान है उसमें विशेष ज्ञान, साइंस का भी खिलाफ मतलब जानना नॉलेज है, ना कि कुछ और। मतलब नॉलेज का विरोध कर रहे हैं लोग, ज्ञान का विरोध कर रहे हैं, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। वो पता नहीं उसको कैसे दुश्मन की तरह बिहेव करते हैं, जबकि जिंदा नहीं रह सकते, 2 दिन नहीं जिंदा रह सकते उसके बिना। आज कुछ छोड़ के दिखाई साइंस को, नंगा होके बाहर घूमेगा, सर कपड़े भी मशीनों पे बनते हैं, एक और तो पॉइंट केबल है। एक बार अब आंखें बंद के अंधेरे तेल में बैठ बैठेंगे ले, आगे पीछे। 1 घंटा बैठ ले लाइट बंद करके, तब तो पता चलेगा कि साइंस का क्या इम्प्रूव। रात को 6 बजे के बाद जैसे अंधेरे में बिल्कुल बैठ ले, क्या कर एक सकते और हो। पॉइंट विमो है जी कुछ, जो विमो जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि अभी हमने सुना कि किस प्रकार साइंस छत को अपनी जगह पे रखे हुए है, साइंस की वजह से हमारे पास कपड़े वगैरह हैं। कई लोग तो ये भी करते हैं कि वो इन सब का क्रेडिट साइंस से चुरा के भगवान को दे देते हैं कि मेरा घर खड़ा है हाँ क्योंकि भगवान है, मेरा मेरे पास कपड़े हैं क्योंकि भगवान है, और ये भूल जाते हैं कि साइंस असल में एक चीज़ है ही नहीं, वो एक मेथड है जिसका इस्तेमाल हम सब करते हैं, धार्मिक लोग भी करते हैं, रोज करते हैं, सुबह से रात तक करते हैं। पर जब साइंस का जक्स्टापोजिशन भगवान के साथ होता है, बगल में रखा जाता है, तो इंस्टेंटली सिर्फ मुझे लगता है ये शब्दों का खेल है। अगर साइंस का नाम बदल के कद्दू रख दिया जाए ना, तो ये लोग को ऑब्जेक्शन होना बंद हो जाएगा क्योंकि उनको उस वर्ड के आगे की कोई समझ है ही नहीं है। सही बात नहीं, है। अगर अगर ईश्वर ही सर्वशक्ति मानव होता तो ईश्वर के घर को रक्षा करने के लिए आदमियों की जरूरत पड़ती है। केदारनाथ बद्री, कितने भी मंदिर है, कितने भी देवस्थल है, वहाँ सिक्योरिटी के लिए, उनकी सिक्योरिटी, उनके घरों की सिक्योरिटी के लिए इंसान की जरूरत पड़ती है, तो सर्वशक्तिमान बिल्कुल कैसे उनको बताएंगे, सही बात। कैसे बताएंगे। अर्पित अर्पित सर की टिप्पणी के बाद अविनाश जी की तरफ चलते हैं। अर्पित सर एक्चुअल में चक्कर क्या है कि लोग ये सोचते हैं, और साइंस से इनकी दुश्मनी इसलिए हो जाती है क्योंकि जब साइंस इनके जो इतने टाइम से जो इनके अंधविश्वास चले आ रहे थे, इनकी जो आस्थाएं चली आ रही थी, जब साइंस ने उन चीज़ों को चैलेंज करना शुरू कर दिया, जब वो साइंस बताने लगा कि यार सच्चाई ये है, ये नहीं है जो आप इतने टाइम से मानते चले आ रहे हो, तब जाकर इनको लगा कि यार ये जो चीज है ये तो हमारी आस्थाओं के अगेंस्ट में है, ये तो हमारी चीजों को हिला रही है, हमारी जो जो हम जिस हमारे जो बेस है वो हिल रहा है इसकी वजह से, तो जाके वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये चीज ना इसमें कुछ कमी खोजो, इसको जो है इसकी आलोचना करो ताकि हम अपने अंधविश्वासों को बचा सके। और दूसरी एक गलती ये लोग ये करते हैं कि वो साइंस को रिलीजन जैसा ही समझने लगते हैं। वो हाँ सोचते हैं कि जैसा कि हमारा रिलीजन है उसी तरह से शायद साइंस भी है। साइंस भी एक ऐसी चीज है जो कि जिस पे कि लोग विश्वास करते हैं, जिस तरह कि हम अपने धर्म पर विश्वास करते हैं, जबकि साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो एक मेथड है जिसको साइंटिस्ट अपनाते हैं, उसके जरिए हम नेचर के बारे में बहुत सारी चीजें समझ पाते हैं। और सबसे खूबसूरती साइंस की ये है कि वहां पर आप किसी भी चीज को चैलेंज कर सकते हो, वो ओपन टू इन्वेस्टिगेशन है। आपको कोई भी चीज है आप उसको जाकर जांच सकते हो, उसको चैलेंज कर सकते हो, और वो जिसकी जो भी फाइंडिंग्स होती हैं वो सबके सामने होती हैं, वो किसी से छुपी हुई नहीं होती है, और ऐसा नहीं होता कि आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। तो वो सबके सामने है, साइंस के ने जो कुछ भी खोजा है, जो भी थ्योरीज हैं या जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो सबके सामने हैं। अगर किसी को लगता है कि भाई वो गलत हैं, उसकी वजह से उनकी जो आस्था है वो उनको समस्या खड़ी हो रही है, तो वो जाएं उनको चेक करें, उनको गलत सिद्ध करें। नहीं, गलत सिद्ध करना है भक्तों के बीच,
और गलत सिद्ध करना यूट्यूब पे बैठ के अपने अपने जैसी मानसिकता वाले लोगों के साथ, बस कभी चैलेंज नहीं करना उनको। हम कितनी बार बोल चुके हैं कि बहुत सारे ज्ञान के मंच है वहां पहुंचिए, आप बहुत सारे उनके मैगजीन है वहां अपने रिसर्च पेपर लेके जाइए, सब साबित कीजिए ना गलत है वो तो स्वीकार। नोबेल पुरस्कार हमें तो कितने मिल जाएंगे अगर गलत कर दें तो ये नहीं करते करते। अच्छा एक डॉक्टर साहब अगला आपसे सवाल है कि आपके संगठन की कौन कौन सी चुनौती रखी है जिनमें से कोई एक चुनौती को पूरा करने पे 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है? जैसे हमने रखी कोई भी अगर चमत्कार अगर साबित कर पाए, कोई भूत प्रेत साबित कर पाए, कोई मन्नत कोई भी धारणा की सच्चाई और मीन्स इफेक्टिवनेस अगर पूरा कर सकता है तो हमारे सामने आए, हम 1 करोड़ का इनाम देंगे। और ऐसे हमने ऐसा रखा था कि एक नोट हम कवर में रखते, आप उसका नंबर भी दिखा दीजिए बराबर उसके ओपन किए बिना, अगर सही हुआ हम उसको आपको इनाम देंगे। ऐसे बहुत सी बातें थी तो यूजुअली कोई आते नहीं, फोन करते कि हम चमत्कार साबित करने के लिए, हम बुलाते आ जाओ और आप या तो हमें हम आए आपके पास, मगर उसके पहली कंडीशन है कि आपको डिपॉजिट देनी पड़ेगी। अगर आप साबित नहीं कर पाएंगे आपका चमत्कार, ये डिपॉजिट हमारे संस्था में जमा हो जाएगी, पहले से हम बोल देते हैं। फिर हम बोलते हैं कि आप पहले लिख के बताओ हमें कि आप क्या पूरा कर पाएंगे, कौन सा चमत्कार पूरा कर पाएंगे, ऐसा लिख के बताओ, फिर हमारी कमेटी तय करेगी हम कैसे आगे बढ़ेंगे, फिर विचार विनिमय हम आपको बुलाएंगे। ऐसे एक प्रोफेसर थे रश्मि भाई करके, इंग्लिश के प्रोफेसर गुजरात यूनिवर्सिटी के, उन्होंने चैलेंज ले लिया, हमारी 2-3 बार मीटिंग हुई, वो बोलता है कि मैं बेरे मुंगे इंसान को बोलता कर सकता हूँ। हमने उसके सब बेरा टेस्ट करवाए, आंखों के टेस्ट करवाए, स्पीच के टेस्ट करवाए, सब वो उन्होंने जैसा बोला होता वो तो वो ऐसा भी बोलते कि कैंसर में ठीक कर रहा है, हमने कैंसर के पेशेंट को भी उनको दिखाया और वो बोलता है कि नहीं मैं ये बेरा मुंगा को मैं बोलता है चलता कर दूंगा। तो हमने उसको प्लेटफॉर्म दिया। वो इतनी जितनी पहले डिपॉजिट की बात थी, डिपॉजिट बोल दिया कि हमें डिपॉजिट नहीं देगा, हमने बोला कि चलो लेट हिम प्रूव हिमसेल्फ वी आर ओपन, तो हमने वो भी करने दिया। तो उसके उसने जितनी सामग्री मंगवाई थी वो सब करवाई, एक ओपन हॉल में, एक कम्युनिटी हॉल में ये रखा प्रोग्राम, बीच में रखा उनका टेबल, उनको दर्दी को वहाँ सुलाया था और उसको जो भी प्रक्रिया करना है वो हमने शुरू दिया। और 12 प्रेस मीडिया वालों को हमने वहाँ बुलाया था, वो टीवी वो कैमरा के साथ वहाँ हाजिर थे। सुबह से शाम तक उसने वो विधि की कि शाम को हमने बोला कि वो सुन सकता है कि वो डॉक्टरों को 2 डॉक्टरों को रखा था, उन्होंने चेक किया कि नहीं देर इज नो चेंज इन हिज कंडीशन, वो बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने मांगा कि 2 घंटे और दो, हमने बोला कि ओके 2 घंटे टू वी अलाउ यू टू परफॉर्म योर दिस विधि। तो विधि उन्होंने 2 घंटे और दी और की और फिर कुछ नहीं हुआ। तो फिर उसने हमने बोला कि हम पुलिस को आपको सौंप देंगे, और या तो क्योंकि ये बातें वो अपर क्लास के अपर क्लास गुजराती फैमिलीज में चला चला के वो पैसा कमाते थे, तो सभी को मैं ये विधि करके देता, मैं ये विधि कर देता, आपका बिजनेस में ये होगा, अपने वैवाहिक जीवन में ये होगा, अब ये बच्चे नहीं हो तो ये बच्चे हो गए, ऐसा चला के सबके साथ सबको छेतरपिंडी करता था। तो उसने वो प्रोफेसर होके इंग्लिश का फिर भी ऐसा करता था। फिर उसने हमने बोला क्या पुलिस के पास जाना चाहेंगे या माफी मांग लेते, तो उसने बोला कि चलो मैं माफी मांग लेते। टीवी में हमने रिकॉर्ड भी किया है कि हमने वीडियो भी है कि उसने माफी मांग ली और बोला कि मैं अभी रिपीट ऐसा नहीं करूँगा, और अगर रिपीट करूंगा तो मैं आपको अगर पता चले तो मुझे अरेस्ट करवा देना। तो ये एक ही था कि हमने पूरा हमने उसको बाकी तो सब भाग गए थे, जैसे काली कमले कुमले वाले तो कंबल कवर करते थे दर्दी पे और बोलते जाओ चलने लगो पैरालिसिस हो पोलियो हुआ अच्छा हो जाएंगे, वो बोगस था। लाखों लोग उनके सामने आते थे और पॉलिटिकल एक मूवमेंट हो गया था ना, पॉलिटिशियन के घर जाते थे और नारियल बढ़ाते थे, पानी के बोतल वहाँ चलता था बिजनेस और बहुत सी बातों का धंधा चलने लगा था, धंधा बना दिया था। हमने केस किए, 3 केसेस किए, हमारे पे धमकी भी आई, फिर उसका हदपार किया गुजरात से काली कुमले वाले बाद। फिर अभी 2 साल पहले दूसरे एक बाबा आए वो चमत्कार करते थे, उसको भी चैलेंज किया, उसने अपना बंद कर दिया धंधा। तो ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज एक टाइप का धंधा बना रहे थे, धर्मों को बेचते और धार्मिक ख्याल को। मेरा एक क्वेश्चन है, इफ एनीवन डजंट माइंड,
कि ये लोग क्या उम्मीद करके आते हैं, मतलब क्या ये सोच, क्या जिस आदमी ने यज्ञ किया बोला कि मैं बहरे आदमी को ठीक कर दूंगा, कैंसर ठीक कर दूंगा, उसे खुद भी पता होगा कि वो नहीं कर सकता, या उसे लगता था कि वो कर सकता है, और अगर उसे पता था कि वो नहीं कर सकता तो वो ये सब क्यों कर रहा था बावजूद इसके कि कैमराज उसके ऊपर है और पुलिस में अरेस्ट होने का डर है? मोस्टली मुझे, मैं जो उससे डिस्कस करता था तो उसको ऐसा कॉन्फिडेंस था, गलत कॉन्फिडेंस था कि ये करवाने की एक विधि है तो मैं कर सकता हूँ, और इससे वो उसने वो तो वो चैलेंज भी वो भी हमें कहता था कि ये फैमिली में मैंने इसको अच्छा किया, ये फैमिली में इसको अच्छा किया। एक्चुअली क्या होता है, ये सब कितनी मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है, जैसे आपने बात की अपने वक्तव्य में, मैंने अपने खुद आंखों से देखा है कि कितने पागल जैसे आदमी वहाँ साइकेट्री वार्ड में जाते थे और दो तीन दिन में हंसते हमारे जैसे अच्छे होके और इंजेक्शन और टेबलेट की ट्रीटमेंट से अच्छे होके आ जाते थे, किसी किसी को उनको शेक देना पड़ता था। तो बाकी सब ये क्या होता है, डोपामिन और एंटी डोपामिन जो केमिकल्स होते हैं उसके इम्बेलेंस की वजह से मोस्ट ऑफ द साइकेट्री बीमारी होते, दूसरे भी कारण होते, मैं मानता हूँ एज अ डॉक्टर में कहता हूँ। सो बेसिकली हो ये रहा था कि उसने कुछ लोगों पे कुछ ट्राई किया, वो लोग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखा और फिर उसे खुद यकीन हो गया कि वो कुछ मस्त कर रहा है, कुछ कर सकता है। अच्छा अविनाश जी, आपने बोल रहे हैं बहुत देर से, आपको जोड़ना चाहिए। सॉरी सॉरी अविनाश जी, कहना हमने दो वीडियो बनाए, एक अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज के साइकेट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साइकेट्री के, उसका वीडियो की ये सब ढूंढते है, एक मानसिक बीमारी है तो उसको अगर जल्दी से डॉक्टर सार्वर के अंदर में लेके आए तो वो अच्छा इंसान अपने जैसा नॉर्मल हो सकता है। अगर इसको निग्लेक्ट करेंगे, उसको जाने देंगे ये दुतारे के पास, ये मौलवी के पास, ये संत के पास अपनी बीमारी कॉल करने के लिए, उनकी स्थिति ज्यादा बिगड़ सकती है और ऐसे स्टेज में वो पहुंच जाएगा तब ट्रीटमेंट सक्य नहीं होगी। तो हमारी सबको विनती है कि जितना जल्दी हो सके ऐसे इंसान को अगर देखते है अपने अपने फैमिली में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाए। तो ऐसी हमने दो फिल्म बनाई शॉर्ट, तो वो भी हम बाद में कभी अगर टाइम मिलेगा तो बताएंगे, दिखाएंगे। ऐसे कुल हमने करीब करीब 20 फिल्म शॉर्ट फिल्म बनाई ये रेशनल अप्रोच पे एंड अगेंस्ट ये बुआ, और इस तीन चार डॉक्यूमेंट्री और तीन चार आवाज नाम के 15 मिनट की फिल्म भी बनाई। एक घर में आवाज आती तो सब ये मानते थे। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो एक गुवर्ड नाम के एक जो पक्षी के बच्चे थे वहां से ऊपर से खंडेर वाले थे जो मकान बंद था कितने सालों से, वहां से मिला और ये गलत मान्यता थी सबकी, ये यहाँ भूत होता है, प्रेत होता है, सब डरते थे। तो ये सब करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और सबसे ज्यादा तो हमें एकजुट होने की जरूरत है। मैं हम बता रहे साइंस ने क्या किया, कैसे क्यों होता है, देखो शीतला होते थे तो स्मॉल पॉक्स, तो बच्चे 1945 में बंगाल में 5 लाख से ज्यादा आदमी और बच्चे मर गए स्मॉल पॉक्स से। मैं आइसलैंड गया था, वहाँ 1942 में 5 लाख लोग स्मॉल पॉक्स से मर चुके थे आइसलैंड में, तो ये डॉक्यूमेंट एविडेंस है वहाँ। तो अगर वो धार्मिक मान्यता पे चलते कि ये कोई देवी देवता या कोई ऐसा राक्षस ऐसा करता है तो उसका कोई उकेल ही नहीं आता, अभी तक लोग स्मॉल पॉक्स से मरते। मगर साइंस ने खोजा कि ये वायरस इज रिस्पॉन्सिबल ब्लड टेस्ट से, और उससे वैक्सीन बनाने में 10 साल लगे, और उसके बाद पूरे विश्व में वैक्सीनेशन से 1976 ऑनवर्ड्स वी वर एबल टू एक्सटिंक्ट दिस वायरस फ्रॉम ह्यूमन रेस। मानव जात से हम भगा चुके वो वायरस, किसी को हो नहीं सकता, किसी को हुआ भी नहीं, तो ये साइंस की देन है। ये तो अभी तक लाखों लोग एवरी ईयर विश्व में स्मॉल पॉक्स से पीड़ित होके मर मर के जिए होते, तद्रुपी होके होते, उनके चेहरा भी चेहरे पे दाग होते थे, आंखें अंधे भी हो जाते थे, बहुत सारे, कितना बुरा होता था। अच्छा अविनाश जी, आपकी आवाज नहीं आई अभी तक, आप क्या कहना चाहेंगे? जी 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 जी, एक बात तो मेन है कि हमें किसी की दया की जरूरत है, वो बात मैंने जैसे सर ने भी बताया और अभी मुझे भी बताया कि हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं तो वो बिल्डिंग में हम सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि कोई उसको गिरा नहीं रहा है। तो जब जब हमको एक डर है कि ये गिर जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, तो सबको दया की जरूरत है, और दयावान सिर्फ एक ही आदमी है जो ऊपर वाला है।
वो दया करेगा तो हम जी पाएंगे, वो दया करेगा तो हम कुछ कर पाएंगे, और हम कुछ कर पाए तो इंसान यहाँ तक पहुंच पाएगा। ये एक बेसिकली माइंड में फिट है। और वो कहाँ से फिट होता है, जैसे सर ने बोला ना, ह्यूमन सर ने बोला कि जो शुरुआत हुई है ना, जो अंधश्रद्धा की या जो धार्मिक अंधश्रद्धा की या किसी और भी तरह की, तो वो शुरुआत वहां से ही होती है। कोई रेशनल से रेशनल नहीं रहता, उसकी शुरुआत वहां से ही होती है कि उसको बच्चा है तभी उसको बोला जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं बोलते, नहीं तो भगवान जी है ना वो ये कर देंगे, या अल्लाह है ना ये कर देंगे। मतलब खेल, पूरा खेल डर का है। शुरुआत डर से होती है, और हमें किसी की दया की जरूरत है कि जो डरा रहा है उसकी दया हम पे बनी रही तो सब अच्छा रहेगा। बस यही शॉर्ट एक उसके अंदर की बात है, जो खत्म हो जाए ना तो पूरा जो भी पिक्चर है वो सुधर जाएगा, वो अलग हो जाएगा। जी अविनाश जी, एक चीज मैं मुझे ज्यादा ही, हम दया किससे मांगते हैं? दयालु आदमी से तो दया नहीं मांगनी पड़ती, बेदर्द आदमी से मांगते हैं। वो बेदर्द है इसलिए दया मांगते हैं उससे। दयालु तो अपने आप ही करेगा दया, उसे मांगनी नहीं पड़ेगी, वो जालम है। हाँ, जैसे जालिम बिल्कुल है वो हमें गुलाम बना के रखा है, और हमें उससे ही दया मांगनी है, ये बात है। मैं एक और बात कहता हूं, जो जो शक्ति है ना पापियों के पाप बख्श देती है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है, उसको तो सजा देनी चाहिए। जो गुनाहों की तौबा करने पे गुनाह बख्श देती है ना, वो सबसे बड़ा गुनाहगार वो है। उस गुनाहगार को मारने की जरूरत है, उसको उस कल्पना को खत्म करने की जरूरत है। राइट। देखो, हमारी न्यायपालिका और सब लोग एक ही चीज सोचते हैं कि जो भी गुनहगार है या जो भी खराब इंसान है, जो अच्छा नहीं है, उसको सजा देनी चाहिए और उसको खत्म कर देना चाहिए। अब हम यही सोचते हैं कि नहीं, इसको तो खत्म हम नहीं करेंगे, भले ही वो गुनहगार हो, कुछ भी हो, और उसको खत्म नहीं करेंगे। और वो जिसकी बात कर रहे हैं, वो असल में सिर्फ, वो सिर्फ क्राइम जी कमिट नहीं कर रहा, वो क्रिमिनल को बना रहा है, वो कष्ट पाने वाले को बना रहा है, वो चुपचाप देख रहा है जब पाप हो रहा है, और वो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है सृष्टि के शुरू से आज तक। जी, इस मामले में मैं पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जब धर्म पाप धोने के 100-100 तरीके बताता है, तो धर्म पाप को मिटाता नहीं, पाप को बढ़ाता है। बढ़ाता अनलिमिटेड ऑफर है, अनलिमिटेड ऑफर है कि पाप करते रहो, पाप धोते रहो, गुनाह करते रहो, तौबा करते रहो। तो इसलिए ज्यादा अपराध जो दर होती है वो धार्मिक देशों में ज्यादा होती है, क्योंकि गिल्टी पाप नहीं राइट। होता, गिल्टी पाप नहीं होता ऐसे उनमें। ऐसे परम कृपालु ईश्वर को क्यों मैं मानू, जो सीरिया में मोर देन 7 लाख बच्चों 12 साल से कम उम्र के लोगों को 2.5 साल में मार चुका है। ऐसे ऐसे परम कृपालु बाप को मैं कैसे मानू, जो सियासी ने दोनों दोनों भाई जैसे होते, एक को पिस्तौल देता है या तेरे भाई को मारता, ऐसा कोई बाप हो सकता है? ऐसा कोई बाप हो सकता है जो एक एक भाई को बोले अपने बच्चों, एक बच्चे को बोलो तुम दूसरे बच्चों को मार डालो? तो ऐसी ये सब बातें। अरे आप वही सुनो कि हमारी जात, मानव जात जो बनी जो चिंपांजी से, तो लाखों साल वो चिंपांजी तो वानर अवस्था में रखा। ए वो ईश्वर, वो ईश्वर जो अगर वो चाहता, वो अगर सब सर्वशक्तिमान तो हम पहले से मानव जैसा पैदा नहीं करता, तो ऐसी यातना में क्यों रखा? चार पांव पे, चार हाथ पैर पे चलने का ऐसी अवस्था में लाखों साल हमें रखा। वो तो उत्क्रांति की वजह से हम ऐसे इम्प्रूव हुए, होमो इरेक्टस बने और अभी होमो सेपियंस में कन्वर्ट हुए। तो ये लाखों साल का हमारा इतिहास है, अगर तो अगर मानव ऐसे नहीं वाकई आए आज जो धर्म बताते। जी अगर वाकई जी अर्पित जी सर्वशक्तिमान था, तो उसे इतना लंबा प्रोसेस अपनाने की जरूरत क्या थी कि 14 बिलियन यस ईयर्स पहले बिग बैंग होगा, फिर इतना सब होगा, फिर 4 बिलियन ईयर्स के अराउंड अर्थ फॉर्म होती है, एंड फिर वहां से फिर विकास शुरू होता है, और वो बिलियंस ऑफ ईयर जो है, मतलब ये जो मल्टी सेलुलर लाइफ है, तो 60 करोड़ साल पहले डेवलप होनी शुरू हुई है, उससे पहले तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही थे। वो इतना लंबा पीरियड चला आ रहा है, और उसके बाद 60 करोड़ साल का पीरियड जाके तब जाके कहीं ह्यूमन जो बिल्कुल लास्ट में आकर इवॉल्व होता है, इतना लंबा प्रोसेस अपनाने की जरूरत क्या थी भाई? और सर बुद्धिमानी उसकी देखे, उसकी बुद्धिमानी देखी, वो डायनासोर को पैदा करता है, फिर सोचता है अरे ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया यार, क्या बना मार दिया, डालता ठीक है, फिर उनको मार डालता है। उसके बाद वो इंसान जैसी कई सारी प्रजातियां बनाते हैं, और उसको समझ नहीं आती यार ये मैंने क्या बना दिया, चलो इनको निपटाते हैं, सारी खत्म हो गई। उसके बाद एक इंसान उनमें से बचता है, वो इंसान मानव जाति के रूप में आज हम बैठे हैं उसमें, अभी तो तक जितनी उसको ये भी लोग बुद्धिमान।
उसको लोग बुद्धिमान बोलते हैं, इंटेलिजेंट डिजाइन। अभी तक जितनी भी स्पीशीज इस अर्थ पे रही हैं उसमें से मोर देन 99% एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, खत्म हो गए, राइट। मानव सर ऐसे हाँ, कोई तो, बोलते हैं ना कि ब्रह्मांड को देखो कैसा चलाते हैं, सूर्य को कैसा चलाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को कैसा चलाते, एक्चुअली ब्रह्मांड में कुछ व्यवस्थित कोई चलाने वाला चलाता नहीं, एक्चुअली एवरीथिंग इज रनिंग टू एक्सीडेंट एंड आकर्षण और पराकर्षण के नियम पे चलते हैं। कितने नए तारे हर रोज बनते हैं, हर रोज नष्ट होते हैं, और वहां अस्व्यस्तता भी होती है, मगर ये अस्व्यस्तता दिखती नहीं क्योंकि वो और लॉन्ग पीरियड वो अस्व्यस्तता होती है, के हजार साल में ये एक्सीडेंट्स होते हैं, बड़े बड़े गैलेक्सी टूट जा सकते हैं और क्रोर्स ऑफ ईयर्स गैलेक्सी टूट जाती है, नई गैलेक्सी बनती है, तो हमारे शॉर्ट लाइफ स्पैन में 60 ईयर से 90 ईयर्स के लाइफ में हम देख नहीं पाते, तो ब्रह्मांड बहुत कंट्रोल चलता है, भगवान बराबर चलाता है, ऐसा बहुत ऐसे गलत मान्यता है। ब्रह्मांड में भी एक्सीडेंट्स होते हैं, ब्रह्मांड में अस्व्यस्तता होता है, बिकॉज इट इज अ natural happening everywhere, this can happen. बिल्कुल। एक चीज मैं जानना चाहूंगा सर, आप जुड़े हैं तो मुझे, हाँ हाँ आप कुछ कह रहे हैं? जी जी बोले आरपी जी, नहीं आप बताएं, मैं आपके पास जा रहा था। हाँ हाँ तो सर जुड़े हैं तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ भी आकर ना लोग उस बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं और आप चूंकि ग्राउंड पर काम करते हैं तो मैं जानना चाहूंगा, कोई पुनर्जन्म का केस वगैरह भी आया था क्या आपके पास में? यस, अभी हमने टेकल किया करीब एक सवा महीने पहले, एक गुजरात के एक छोटे गांव में एक छोटी बच्ची का रूप ऐसा लगता था कि वो पास वाले गांव में जो एक बड़ी औरत थी, परिणीत मैरिड वुमन थी, उसको जलाया गया या मार दिया गया, उसकी चेहरा फेसेस सेम सिमिलर थे, तो उसको बता दे कि ये पुनर्जन्म है, और वो बच्ची पूरा बोल भी नहीं सकते, अपना नाम भी बराबर नहीं बोल सकते, उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो ये गलत तरीके से पेश किया गया किस्सा है कि वो जो पास गांव में जो मर गई थी उसका पुनर्जन्म है, तो पुनर्जन्म इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि जब आदमी इंसान मर जाता है तब ब्रेन सेल भी पूरा खलास हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, डिजनरेट हो जाते हैं, और उसमें मेमोरी सेंटर भी खलास हो जाते हैं, कोई मेमोरी रहती नहीं, और आत्मा जैसे चीज विज्ञान ने साबित नहीं किया, विज्ञान डजंट साइंस डजंट एक्सेप्ट इट, स्वीकृति है ही नहीं आत्मा जैसा, ऐसा नहीं। अगर आदमी मर जाता है तो उसके कितने अंग कुछ घंटों तक जीवित रह जाते हैं, कॉर्निया आंख में जो किकी होती है वो, किडनीज, कितने स्नायु, तो वो सब उसमें सभी में आत्मा होते, तो अगर आत्मा निकल गया तो सभी अंगों में से नहीं निकला, मीन्स अलग अलग अंग कुछ घंटों तक, दो दिन तक, तीन तक अगर बराबर स्टोर किया तो जिंदा रह सकते हैं, तो और पुनर्जीवित हो सकते हैं, तो ये सब गलत बात है, आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं, और आत्मा एक आदमी से भी दूसरे आदमी में नहीं जा सकता, और एक गर्भ से दूसरे योनि में भी नहीं जा सकता, आत्मा है ही नहीं, तो वो पॉसिबल है, पुनर्जन्म जैसा कुछ बात ही नहीं, सब चीटिंग है, और वो टेम्पररी चलता है मीडिया में, क्योंकि मीडिया वालों को कुछ नया चाहिए, लोगों को लुभाने के लिए, अपने अपने न्यूज़पेपर के सामने अट्रैक्ट करने के लिए, बाकी वो सभी बातें अभी तक की जितनी बातें चली तो 3-4 महीने में ठंडी होके बंद हो जाती, तो पुनर्जन्म जैसा कुछ पॉसिबल ही नहीं और कभी होता नहीं, मेमोरी किसी एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो सब गलत चीज है, अनसाइंटिफिक चीज है, बनी बनाई चीज है, कुछ एक दो दर्जनों केस हल किए, ऐसे ऐसे आपके सामने भी केस आए पुनर्जन्म के, कोई उसके पीछे क्या कारण थे या क्या साजिश होती है? वैसे कारण नहीं होते, साजिश होती है, यू आर राइट, साजिश क्या अपना इम्पोर्टेंट समाज में दिखाने के लिए होता है, कभी कभी मैंने, हमने एक लुनावाड़ा में ऐसा केस था, तो हमने वहाँ जाके आए, हाँ तो वहाँ उसको उनको अपने घर में कुछ धंधा वंदा चलता नहीं था अपने बिजनेस में, तो ऐसी बातें फैलाने से उनका बिजनेस हो जाए, चल जाए, उसके घर में मंदिर हो जाए, मंदिर की आवक हो जाए, ऐसे ऐसे उनके पर्पसेस होते हैं, बाकी कोई लंबी पहुंच वाला उनका वो नहीं होता कि दुनिया को बदल दो या ऐसे घटना से कुछ और प्रभाव हो जाए, पर
छोटे छोटे उनके वो होते हैं कि उनकी आमदनी बढ़ जाए, उनका समाज में इम्पोर्टेंस बढ़ जाए, ये हो जाए ये हो जाए। जैसे ये ढूंढने का जो ढूंढते हैं ना ऐसे ऐसे, वो मेल के कंपेरेटिव औरत में ज्यादा होता है, क्योंकि औरत को दबाया जाता है घर में, सासू का झगड़े होते हैं, ननन का भी वो होता है, यहाँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वो कुछ बोलने नहीं देते, उनका कोई आवाज नहीं होती, टॉर्चरिंग होता है, दहेज नहीं लाते तो उसपे पीड़ा पीड़ा उनके करते हैं। तो ये सब बातों को उससे उठने के लिए कुछ इंटेलिजेंट लोग, इंटेलिजेंट औरतें ऐसा देखा करते, मुझे मुझे कोई आत्मा आता है और एक नाटक होता है, और या तो कुछ लोगों में बीमारी होती है, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम सब बोल मानो के 30% में एक नाटक होता है और बाकी 70% में थोड़ी सी मानसिक बीमारी होती है जो डॉक्टरी सारवार से हल हो सकती है। ये ढूंढना कोई वो ढूंढना कोई आत्मा नहीं आता, या फीमेल में मेल का आत्मा हो जाता है, मेल में फीमेल का आत्मा, ये सब बोगस बात है, कुछ नहीं होता ऐसा, कोई आवाज नहीं होती, कोई आत्मा नहीं होता और कुछ जीव भी आता नहीं। आत्मा एक भ्रामक ख्याल है, और हमारी जो पहले से संस्कृति आगे आ गई कि कुछ निकल जाता है ये शरीर से, ऐसा कुछ निकलता नहीं मरने पे, मरने पे एवरी सेल स्टॉप फंक्शनिंग परमानेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेथ, एवरी सेल ऑफ द बॉडी स्टॉप फंक्शनिंग, फंक्शनिंग उनका सेल का जो फंक्शन रेस्पिरेशन का होता है, उत्सर्जन का होता है, प्रजनन का होता है, ये सब फंक्शन परमानेंटली बंद हो जाते हैं, डेथ। मुझे लगा था कि पुनर्जन्म पे, क्योंकि मैं एक मिनट के लिए बाहर गया था तो मुझे लगा पुनर्जन्म पे बात हो रही है, तो मैंने उसका बीच में कर दिया। तो अब आत्मा के बारे में तो एक और भी चीज है, जिन धर्मों में या समाजों में विश्वास जो है उसी के बारे में, जैसे हिंदू समाज में होता है भूत प्रेत का और मुस्लिम समाज में होता है जिन्नों का, जिन्नात। तो मुस्लिम समाज में कभी भूत प्रेत नहीं आते और हिंदू समाज में कभी जिन नहीं आते, तो इससे पता चल जाता है। और दूसरी भाषा का भी नहीं कभी आता, कि ऐसा नहीं हो कि मेरे में अंग्रेज आ गया और मैं अचानक इंग्लिश बोलने लगा, ऐसा कभी नहीं होता। मेरा एक दोस्त एक केस आया था सर ऐसा, फिल्मों की मेरा एक दोस्त है वो स्क्रिप्ट राइटर है, फिल्मों की कहानियां लिखता है, तो वो एक कहानी लिख रहा था जहाँ पे एक मुसलमान आदमी मर जाता है एक ऐसे एरिया में जहाँ आमतौर पर हिंदू मरते हैं, तो भूतों के बीच भी रिलीजियस डिफरेंसेस हो रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रिलीजन होता है ये, कभी कभी ऐसा बता दे ये हिंदू आत्मा ये मुस्लिम आत्मा ये होता है, रिलीजन बना दे, रिलीजन दे बना दे। एक केस हमारे पास ऐसा इंटरेस्टेड आया था जो अभी बात की ना कि वो इंग्लिश नहीं बोलता है, अभी यहाँ पे ही केस आया था, डॉक्टर सर को भी मालूम है कि वो जो लेडी थी वो और धर्म थी और किसी और धर्म के जो भी श्लोक आया थे हनुमान चालीसा वो बोल रही थी, ऐसा भी एक केस था। और उसके पीछे का रीजन भी सर ने जाना और सबको उसके फैमिली वालों को बताया कि क्योंकि वो रहती थी जिस इलाके में वहां पे ये धार्मिक अनुष्ठान होते थे वो उसने सुने थे, और जब उसकी मेंटली पोजीशन ठीक नहीं थी जिस टाइम पे उसको एक शॉक लगा था, वो सर को मालूम है कि क्या शॉक लगा था, उसको एक शॉक लगा था और उस टाइम पे उसकी मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो उसने अपने धर्म के नहीं पर कोई और धर्म के जो भी अनुष्ठान है वो बोलने लगी थी। तो ऐसा भी हुआ था एक केसेस पर, उसने पहले से वो सुना हुआ था क्योंकि जब सर ने जांच पड़ताल की तो उनको पता चला कि नहीं ये यहाँ पे रहती और ये सब कुछ यहाँ से उसने सुना है। ये काफी ये पहले भी हो चुका है, मतलब लोग पिकअप कर लेते हैं खाली सुनी हुई चीजें। ऐसा एक और केस मैंने स्टडी किया था, एक लड़के के अंदर एक अंग्रेज आता था, बहुत फराटेदार अंग्रेजी बोलता था और वो अनपढ़ था लड़का, तो उसके अंदर आत्मा आती थी अंग्रेज की, हॉलीवुड वाले अंग्रेज की आती थी। असल में जब उसको उसका स्टडी की गई तो पता लगा उसके पास हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की सीडीज थी, और वो अनपढ़ होने के बावजूद वो सारी इंग्लिश में मूवी देखता था, और उसको इतनी मतलब पकड़ हो गई थी अंग्रेजी की बहुत ज्यादा, और एक टाइम आया जबकि वो थोड़ा सा दिमाग उसका डिसबैलेंस हुआ और वो अंग्रेजी फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगा, तो लोगों को गया इसमें किसी मतलब बॉर्डर क्रॉस कर गया आपकी बार तो भूत भाई, ये तो बात पक्की हो गई कि आत्मा ट्रैवल कर सकती है बॉर्डर के पार भी, लेकिन उसकी रियलिटी वही निकली कि वो अंग्रेजी फिल्में ही देखता था। और उसके ऐसा एक और केस मैंने सुना था, अमेरिका में कोई ऐसा था जिसके ऊपर कुछ आया था और वो चाइनीज बोल रहा था, और उसके पड़ोस के सब लोग बोले इतनी अच्छी चाइनीज कैसे बोल रहा है,
फिर बाद में पता चला उन लोगों में से किसी ने भी कभी चाइनीज भाषा सुनी नहीं थी, तो वो कुछ तो बड़बड़ा रहा था और ये लोग ये मान के चल रहे थे कि वो चाइनीज बोल रहा है। सही बड़ोड़ा वो चेंज कर रहा होगा और क्या। हाँ बस बड़ोड़ा में घर में हमने 3 बार हमें जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ बर्तन जब रसोई करते थे तब रसोई के बर्तन में से चप्पल निकलता था, बाले निकलते थे, साबुन निकलते थे, हम सोचते थे कि क्या कौन कोई ना कोई कर रहा होगा। 3 बार हमें जाना पड़ा, देरानी जेठानी का झगड़ा था, सुप्रीमा से हासिल करने के लिए एक दूसरे को तंग करना चाहती थी और इसलिए दूसरे का कबाट में आग, अपने कबाट में हाथ आग नहीं लगाती, तो देरानी की देरानी जेठानी के कबाट में आग लगाती, घर में कोई नहीं होता तो आग लगा के वो बाहर निकल जाती, तो रसोई घर में जो बर्तन में रसोई पकाई उस पर चप्पल डाल देती या साबुन डाल देती, तो हमने वो एक्सपोज किया। ऐसे यहाँ से 17 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ घर में कभी कभी भी किसी भी टाइम पे आग लग जाती थी, तो वो पोटाश करके वो रखते थे जो उसका ऑक्सीजन हवा से उसका एक्सपोजर होता था। अच्छा, वो यूजुअली माटले के अंदर पानी के अंदर डुबा के रखते थे, सिर्फ किसी को पता नहीं चलते, फिर कोई अगर नहीं देखे तब जाके घर के किसी कोने में रख देते थे और अपने आप थोड़े 2-3 घंटे के बाद ड्राई होने के बाद ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आते तो आग जल जाती। तो ऐसी गतने पूरे वागजीपुर नाम का गांव था, हमने वहाँ कैमरा रखा है हर एक रूम में, तो बहुत बड़ा घर था। फिर वो पकड़े जाने वाले थे कि कुछ हमने जब तक 2.5 दिन तक उसका हमने कब्जा कर लिया था तब तो कुछ नहीं हुआ, तो उनको डर लगा कि ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे। घर में जो सबसे छोटी बहू थी वो केमिकल BSc केमिस्ट्री किया हुआ, उसको पता था ये, तो वो करती थी वो अपना इम्पोर्टेंस वो करने के लिए, और पकड़े जाने वाले तब हम हमारे हमारी पूरे टीम पे पत्थरबाजी उन लोगों ने चालू की और हमने हमारे हमारे कॉर्डन करने के लिए हमें भयभीत कर दिया, अटैक करेंगे, फिर हमें वो एरिया छोड़ना पड़ा। तो हमने ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स को वो किया है, और इंसिडेंट से भी याद है मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ लोक विज्ञान केंद्र का, हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज्यादा साइंटिफिक एक्टिविटी स्कूलों में चलाते हैं, कॉम्पिटिशन रखते हैं, डिबेट रखते हैं, सेमिनार रखते हैं, तो हमारी यह 50% जो कामगिरी वो साइंटिफिक टेम्परामेंट साइंटिफिक एटीट्यूड बढ़ाने के लिए और साथ में 50% अंधता दूर करने के लिए, हर एक प्रोग्राम में हर एक प्रोजेक्ट में हमारा ये रोल होता है कि हमारा सपोज के मैं सस्ता ब्रांड एम्बेसडर हूँ तो गोधरा में, तो सस्ता की बात होती है 20 मिनट सस्ता की बात करो, 20 मिनट अंधता की बात करो, तो ऐसी ऐसे हम काम करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव काम में हमने बोला 12 साल से स्लम्स एरिया में 3 जगह पे गरीब बच्चों के लिए स्कूल चला, इवनिंग क्लासेस 6 से 9 हम टीचर्स रखते और गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, बाहरपुरा में मामा फटके आश्रम में और रहमत नगर में चले, तो तीनों 3 जगह पे हम स्कूल चलाते इवनिंग स्कूल। तो हम एजुकेशन भी हम ये अंधश्रद्धा को दूर करना होगा तो एजुकेशन करना पड़ेगा, एजुकेशन लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, अगर गरीब एजुकेटेड नहीं होगा तो फिर से वो अनसत्ता की चक्र में वो जूझ जाए। सर पर एक और बात तो, भी देखिए ना कि वो जो छोटी बहू थी जिसको केमिस्ट्री का ज्ञान था वो तो एजुकेटेड थी, तो उसने साइंस का गलत इस्तेमाल कर दिया। नहीं गलत, यू आर राइट वो असल में है ना कि वो आसपास पावर गेम होता ना, पावर गेम्स। हां दमन जो होता है ना घरों में परिवारों में किसी के मेंबर के साथ वो बहुत काम करता होता है, वो बदला किसी और तरीके से लेता है, जहाँ वो अवचेतन मन की किसी डिसऑर्डर में लेता है जब ऐसे भी लेता है, घरों में आग लग जाती है, पत्थर गिरते हैं, जब बहुत कुछ कपड़े कटने शुरू हो जाते हैं तो घर का कोई मेंबर कर रहा होता है, और ऐसे केस तो बहुत अब थोड़े कम हुए हैं क्योंकि जागरूक भी हो चुके हैं लोग। अच्छा, तो पुनर्जन्म इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी, एक चीज मुझे लगता है ज्यादा जरूरी बात, मतलब साइंस एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, छोटी बहू को जो ज्ञान था वही ज्ञान अगर बड़ी बहू को होता तो शायद वो फंसती नहीं। सो बेसिकली नॉलेज इज पावर, नॉलेज जितने ज्यादा लोगों को मिले उतना अच्छा है। वो गेम वहां इतने टाइम तक चल पाया, वो इसीलिए चल पाया क्योंकि केवल एक बंदे को नॉलेज थी, बाकी सबको पता था। हाँ, यहाँ एक हमारे गोधरा में एक तालाब है, वहाँ एक लड़की के घर पे बहुत पत्थर पड़ते थे, फिर हमने वहाँ आगा से टेरेस पे जाके रात भर रहे, हमने देखा कि सामने से घर से ही पत्थर आ रहे हैं, तो फिर हमने वहाँ उसी रात को वही टाइम पे उनके घर गए, सामने वाले के घर को जगाया, तो
एक बड़े इंसान थे, उन्होंने बताया कि मैं तो मेरे घर से तो कोई हो ही नहीं सकता। तो हमने बोला कि हमें टेरेस पे जाने दीजिए। टेरेस पे लड़का था, लड़को लड़के को पकड़ा हमने, तो उसने बताया कि तो एक घर पे जहाँ आपने रात का विसामा किया ना, वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है और ये उसके फादर मुझे मिलने ही नहीं देते, इसलिए उनको डराने के लिए मैं पकड़ा। ऐसी कुछ तो कोई इंटेंशन रहता है, जैसे अब्राहम कोहन ने, डॉक्टर कोहन ने अपने किताब में लिखी है कि खेत में सबको चोरी बहुत होती है, तो उसको डराने के लिए आग वो इंसान आग सिर पे रख के दौड़ता है रात को, और गांव में बात फैला दे कि वहां तो एक देवी शक्ति कोई भी जाएगा तो उसको जला देगा, सो देट वहां चोर न जाए। तो ऐसे बहुत सी बात डॉक्टर कोहन ने भी अपने पुस्तक में लिखी है। तो कोई तो कुछ इंटेंशन होता है डराने के लिए किसी को, अपना इंटेंशन सिद्ध करने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं, सो कॉल्ड चमत्कार की बात करते हैं। बाकी चमत्कार जैसा दुनिया में कुछ है नहीं, भूत प्रेत जैसा कुछ है नहीं, पिशाच जैसा नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, वो आत्मा जैसी अच्छा, चीज नहीं है। पुनर्जन्म के बारे में आपके कोई केस आपके सामने आए, इसके बीच क्या सच्चाई होती है पुनर्जन्म के केस? हम बहुत बार सुनते हैं, अखबारों में सुनते हैं, जबकि चैनलों पे होते हैं, वो तो हमें तो खैर पता क्या पीछे क्या होता है इसके। जो मैंने बोला ना कि हमने वीडियो रिकॉर्डिंग किया, वो लड़की जो 4 साल की, वो बराबर एक सेंटेंस भी बोल नहीं सकती, लास्ट इंसिडेंट हमने जो इन्वेंट, ओके, तो वो बता ही नहीं सकती स्टोरी। वो डॉक्टर साहब, या डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा बीच में सॉरी रोक रहा हूँ आपको, आप लोगों को, आप लोगों ने केस स्टडी किए हैं और आपने जैसे कहा कि आपने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है और कुछ आपने डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट मूवीज भी बनाई है, फिल्में बनाई है इस चीज को लेके, तो मैं चाहूंगा शायद आपने वो गुजराती में बनाई है। यस जी, मैं ठीक है, हाँ ठीक। तो सर मैं चाहूंगा अगर आप को ठीक लगे तो वो उनमें से कुछ वीडियोस मुझे मिले और मैं उनको हिंदी में करना चाहूंगा, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, आप जैसे फ्रेंड लोगों के साथ आपके सजेशन लेना चाहूंगा कि आप इन इन वीडियो को कैसे ज्यादा प्रचलित कर पाए, हम जैसे ज्यादा बिल्कुल हम करेंगे फैला सकते हैं। यू कैन हेल्प मी आउट जी, बिल्कुल, सम ऑफ यू जो इंग्लिश ज्यादा अच्छा जानते हैं तो मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं, तो मैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी दे सकता हूँ, मगर आप लोग अगर इंग्लिश में उसका डबिंग कर ले, डार्विन पे लिखा है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो उसकी बातें आप इंग्लिश में कमेंट्री लगा दे, डबिंग कर दे, तो वी कैन स्प्रेड दिस वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस जो सभी स्टूडेंट को, क्योंकि बहुत लंबी लंबी होते हैं, लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता, अगर 5 मिनट की 10 मिनट की है तो वो लोग देखना चाहेंगे, तो हम ज्यादा लोगों तक, ज्यादा स्टूडेंट्स को पहुंचा सकते हैं, देयर इज अवर एम। अविनाशी को बता दूंगा, वो भेज देंगे कल, आज रात को भी भेज सकते। अविनाशी आपने मुझे बताया था कॉल पे एक कोई केस, कोई पुनर्जन्म का कोई ताजा ताजा सा हुआ था। हाँ, वो उसके बाद उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया है कि वो लड़की बोल ही नहीं सकती। अच्छा, वही लड़की उषा थी, ऐसा उसको रिलेटिव लोगों ने, तू तो उषा है, तू तो उषा है, ऐसा करके उसको मन में भर दिया कि तू उषा है पिछले जन्म, और उसको मैं उषा हूँ ऐसा बोलना भी नहीं पाता। वो 4 साल की है, वो पढ़ी हुई नहीं है, और उसको अपने पिछले जन्म में कुछ याद नहीं है, मगर लोग जो आते हैं उनको मिलने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए, वो कुछ ना कुछ बता, तेरे घर में तो ये था, तेरे घर में तो ये था, तेरे घर, पर वो सुनने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं है और बोलने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं। ये उनके आगे पीछे वालों को अपना इम्पोर्टेंस समाज में बनाने के लिए ये लोग प्रचलित कर रहे हैं, ये स्मॉल इंटेंशन कि उनको समाज में ज्यादा इम्पोर्टेंस मिले, महत्व नहीं। डॉक्टर साहब इसके पीछे जो जैसे पंजाब वालों ने, क्योंकि मेघराज जी मित्तल से मेरी बातें होती है, तो काफी केस वैसे भी स्टडी किए हैं मैंने। असल में होता क्या है कि किसी के 8-10 साल पहले किसी का इकलौता बेटा की मौत हुई होती है, जो कि 30 साल के नीचे नीचे कह सकते हैं, ये मौतें नहीं बोली जाती आमतौर पे बहुत सालों तक, जो 10-15 साल जो उससे भी कम उम्र की होती है। तो कोई 8-10 साल का बच्चे को तैयार किया जाता है, कुछ बेसिक 5-7 चीजें बताई जाती हैं उसको, वो अच्छा जो मरने वाला लड़का होता है वो हमेशा मिडिल क्लास या उससे भी ऊपर का होता है, और दूसरा जो होता है गरीब वर्ग का होता है।
तो ये एक इमोशनल गेम होती है जो माँ बाप बच्चे को भूल नहीं पाए, वो कुछ ना कुछ उसको दे देते हैं, मतलब कि हमारा बच्चा है। अच्छा, और एक सिलेबस होता है कि इतने ही जवाब दे पाएगा बच्चा, ज्यादा कुछ याद नहीं क्योंकि पिछले जन्म का मैटर है, तो वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं और उसको काफी कुछ मिल जाता है। हमेशा एक साजिश हुई है, और गरीब बच्चा होगा जिसका जो पुनर्जन्म जिसपे मतलब जो कहता है दावा करता है और जिसका हुआ है वो हमेशा अमीर होगा, ये एक फैक्ट है। कभी ऐसा नहीं होता कि अमीर के घर में किसी गरीब का पुनर्जन्म हो गया, ये नहीं होगा कभी। तो ये चीजें हमेशा, ये केस तैयार कर रहे हैं, मैं दर्जनों केस तैयार कर सकता हूं, मुझे कोई बताए कि जैसे आप ही हैं या बहुत सारे हमारे दर्शक हैं कि उनके आसपास किसी का कोई एक्सीडेंट में या तो किसी भी कारण से किसी की मौत हो गई है, 5 साल का था, 10 साल का, 15 साल का था, और 8-10 साल पहले हुई होनी चाहिए, बस बाकी का गेम मेरा है, मैं कर दूंगा। और इतना कुछ आज के समय में तो वीडियो बना सकते हूँ मैं, इमेज बना सकता, फोटो ले सकता हूँ कि उसका घर कैसा था, स्कूल के कौन सा जाता था, किस पार्क में था, उसके दोस्त कौन से थे, आज तो ईजी हो गया पहले से भी। तो कुछ बेसिक चीजें 8-10 होती है। ये केस में क्या हुआ है कि जो लड़की मर चुकी है दूसरे गांव में, उसका ऐसा कहा जाता है कि मर्डर हुआ है, तो उसके उसके माँ बाप ज्यादा इंटरेस्टेड है कि ये उसको उसके पति को सजा मिलने चाहिए, तो ये बात ज्यादा फैलाने में पेपर प्रेस मीडिया वालों को ज्यादा इंटरव्यू वो लोग देते जो लड़की मर चुकी है, उसके माँ बाप उनको ऐसा है कि उसके जमाई ने रात भर उसको पीटा और मर गई, यहाँ जला दिया, तो उनके जो लड़की मर चुकी है उसके माँ बाप का भी ज्यादा इंटरेस्ट है, वो अपने जमाई को सजा दिलवाना चाहते। ये बात है, कुछ ना कुछ जो अंदर शामिल होते नियर बाय होते हैं उनके कुछ ना कुछ अलग अलग से भी इंटेंशन हो सकते हैं। तो आप राइट, मेन इंटेंशन वो होता है, और कभी कभी पैसा का भी होता है, पैसा निचोड़ने का भी होता है कि बात कह देगा, वो कुछ कह देगी ये बात पुनर्जन्म जन्म की, ऐसा डर के हमारे फिर दबाने की, फिर पुलिस इंटरवीन करती है, पॉलिटिशियन इंटरवीन करता है, ये सब बातें चलती रहती, मगर वो बातें ज्यादा चलती नहीं क्योंकि इसमें फैक्ट फैक्ट कुछ नहीं होता, साबित नहीं होते, विज्ञान नहीं होता, तो ज्यादा कुछ कभी चलता नहीं। और जब तरखील वाले ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछते होते हैं उस बच्चे से, वो बच्चा तो वही जो उसको सिलेबस रट्टा हुआ है ना वही बोलता है, उसके अलावा कुछ नहीं बोल पाता, वो ऐसी कोई बात पूछ लो जो नहीं सार्वजनिक तौर पे नहीं है, वो तो घर का कमरा तक नहीं बता सकता कि कमरा कौन सा था, किस कमरे में रहता था, इतना भी नहीं बता पाता। तो ये हमेशा जब जाते हैं ऐसी जांच करने के लिए तो वो अलग से सवाल होते हैं उनके, वो अपनी रिसर्च होती है कि और क्या क्या है उसके बारे में जो जाना जा सकता है, तो वो कुछ भी नहीं बोल पाता, वो तो माँ बाप की मौजूदगी में बोल पाता है, बस बस वही बात है। वो लड़की अपने पति का नाम बराबर नहीं बता, वो छोटी लड़की 4 साल की, वो पिछले जन्म की जो उषा थी उसका हस्बैंड का नाम वो बता नहीं सकती, वो बोल ही नहीं सकते बराबर। यस यस, तो ऐसी बातें कुछ ना कुछ बातें आसपास वाले उसके माइंड में भर देते ऐसा बोलने का, कोई भी आए पूछने के लिए मैं उषा हूँ पिछले जन्म की, मैं वो गांव में रहती थी, बस खत्म। उसके अलावा होता ही ऐसा है, मैं भी कुछ केस पढ़े थे मैंने, तो उसमें होता यही है, छोटा बच्चा होता है और घर वाले उसको नहीं पता होता, बेचारे इतने छोटे बच्चे को क्या पता, उसको बार बार जब आप बोलोगे कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम वहाँ जन्म है, वो उन्हीं चीज़ों को दोहराना शुरू कर देता है और उसको दोहराता है, और फिर वो देखता है कि जो सुनते हैं लोग बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, तो उसको लगता है अच्छा है तो कोई अच्छी बात है, वो फिर उसको रिपीटेडली करता है। तो मानव सर एक बार अपना व्हाट्सएप चेक करें। अच्छा, और दोस्तों से ये है कि अगर कोई सवाल है आपका तो चैट चैट में पूछ सकते हैं, तो आज जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरा तो एक्चुअली मैं एक पॉइंट रेज करना चाहता था, मुझे हर मतलब ये नॉट डिसएग्रीइंग विद एनीवन, बट मुझे ऑलमोस्ट हर हफ्ते कोई ना कोई एक होता है जब मैं कोई एथियज्म रिलेटेड चीज पोस्ट करता हूँ जो कहता है अरे तुमने सुना उस गांव में वो बच्चा है और वो कह रहा है कि वो इसका पुनर्जन्म है और उसको ऐसी ऐसी बातें पता है जो पता ही नहीं हो सकती, एक छोटा सा बच्चा कैसे जान सकता है। वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि माँ बाप उसको बच्चे को बेसिकली ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, कॉन्शियसली नहीं तो भी अनकॉन्शियसली वो बच्चा एब्जॉर्ब कर ही लेते हैं ये सब। आजकल बच्चे बहुत तेज है, कुछ भी सिखा सकता हूँ मैं, 8-10 साल के बच्चे को सिखा सकता हूँ, ये तो 5-6 सवाल करते हैं मैं 50 सिखा सकता हूँ उसको, ये बहुत इजी काम असल में है। कहां पे पकड़े जाते कोई साजिश रचनी है, है तो बहुत इजी है। अच्छा, सुपर चैट कुछ आई है तो आप पढ़ दीजिए ह्यूमन जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल।
असल में इन चीज़ों ये चीज़ें तब पकड़ी जाती है जब पर्सनल बातें पूछी जाती हैं किसी से भी। पुनर्जन्म के केस तभी सोल्व हो जाते हैं जब उनसे कोई पर्सनल चीज पूछी जाती है जिसका वो पुनर्जन्म खुद को बता रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पुनर्जन्म सिर्फ उन समाजों में होता है जहां विश्वास धार्मिक हैं, ऐसे पुनर्जन्म के मुस्लिम में नहीं होता। वो बड़ा 180 करोड़ है, उनमें क्यों नहीं होता जी? तो ये हिंदू समाज में क्यों होता है? जब कुछ और भी दुनिया में हुए जहां ऐसे विश्वास किए जाते थे कि कुछ जन्म होता है, तो मुस्लिम में क्यों नहीं होता? क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है वहां। तो मलिक मैम, मलिक माम जी की एक सुपर स्टिकर है, सुपर स्टिकर के लिए आपका धन्यवाद। और इसके बाद है मिलिन जी का है सुपर स्टिकर, इसके लिए शुक्रिया सर आपका। आर सिर्फ आर वो यारो नाम तो लिख दिया करो कि शुक्रिया कह सके। आर मतलब रुपया जी, आपका शुक्रिया। जी जी शुक्रिया आपका। और एक मैसेज आया था अर्पित सर के लिए, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। ये आपके फैन है सर, और ये आपसे शिकायत कर रहे हैं आपके वीडियो के बीच में गैप बहुत आता है। आस्था मुक्ति सर, आप अपने चैनल पर वीडियो अंतराल काफी लंबा रहता है, कृपया थोड़ी दूरी कम करें, आप अंतरिक्ष पर वीडियो बनाया करें। यश जी, पहले तो मैं ही बता देता हूँ इसके बारे में, फिर अर्पित जी बताएंगे। देखिए हमारे जो वीडियो होते हैं वो बहुत एक तो लंबी रिसर्च मांगते हैं, ठीक है, दूसरा हम कहीं से भी उठा के कुछ नहीं बोल सकते, तीसरा एक चीजों का हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि हम किसी का नजरिया नहीं लेते, चाहे कोई वैज्ञानिक है, चाहे कोई साइंटिस्ट है, चाहे कोई नास्तिक भी क्यों ना है, हम उसका नजरिया नहीं लेते, हम उसके बाद भी कुछ चीजों को वेरीफाई करते हैं, तो इन चीजों में बहुत टाइम चला जाता है। अर्पित सर, बिल्कुल यही होता है जैसा हेमन जी ने बोला कि हमारे ऊपर एक प्रेशर है कि हम कोई गलत चीज ना रख दें सामने, क्योंकि हम कोई धार्मिक चैनल नहीं चला रहे हैं कि वहाँ पर हम कुछ भी बोल देंगे तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि कुछ गलत चीज़ ना जाए, जो जाए वो सही चीज़ हो, वेरीफाइड हो, तो और उन सब चीज़ों में टाइम लगी जाता है ओबियसली। हाँ, ये शिकायत आपकी जायज़ है कि वीडियो में वाकई में टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हाँ ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, बट स्टिल जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है उस रिगार्डिंग, तो मैं इसका ध्यान रखूंगा, कोशिश करूंगा कि वीडियो मैं जल्दी लाऊं आप लोगों का। आज ही वीडियो आया आपका? हाँ, आज ही एक वीडियो आया है। और वीडियो आपने किया? जी जी, और वो उस वीडियो ने काफी मुझे उलझा के रखा हुआ था, काफी टाइम तक मैं उस पर लगा रहा क्योंकि वो विषय ही ऐसा था, तो आप उस वीडियो को देखिए, विषय ही बाकी उलझा हुआ है काफी, तो अभी वो वीडियो रिलीज हो गया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। बाकी नए वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी लेके आऊँ आपके लिए। वक्त तो हमारी गलती ढूंढते हैं, एक गलती करके तो दिखाइए बीच में, फैक्ट के बारे में एक भी आंकड़ा कुछ भी, तो उसी को पकड़ लेंगे। अशोक पाल जी पूछते हैं सर, इसरो क्यों पूजा करती है रॉकेट लॉन्च से पहले? इस पे तो मैं आप सभी जी, हमारी जो स्पेस एजेंसी है इंडिया की, वो नारियल फोड़ती है रॉकेट उड़ाने से पहले, मतलब विज्ञान की इतनी बड़ी संस्था और ऐसा काम करे तो इसके पीछे बहुत, देखो हम इसको कई सारी वजह हो सकती है, हम इसको परंपरा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि हम वो आस्था या अंधविश्वासी है, वो परंपरा भी है हमारे नारियल फोड़ने की, बाकी वो भी हम उसको सही तो नहीं कह सकते, ये सीधी बात है। बाकी डॉक्टर जी बताइए। इनको तो एक ही डिग्री छीट लेनी चाहिए एक्चुअली, इनको जिसने जिस यूनिवर्सिटी ने उनको डिग्री इंजीनियरिंग की ली है या डिग्री दी है उनको वापस लेनी चाहिए। अगर जो वो पढ़ा हुआ है उसके विपरीत वो काम कर रहा है तो उसकी डिग्री ले लेनी चाहिए, ये अनसाइंटिफिक है बिल्कुल। उसको नारे जैसे कोई सर्जन स्कैल्पेल ऑपरेशन शुरू करता है और वो ऐसा नाम इष्ट देव का नाम लेता है और फिर बाद में बोलता है कि दर्दी गंभीर है, ईश्वर की मर्जी, वो बचे ना बचे, उसकी भी डिग्री मेडिकल की डिग्री ले लेनी चाहिए। मैं फॉर्मली बिलीव कर, उसको डॉक्टर बने रहने का कोई हक नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं, और फॉर्मली होना चाहिए।
देखो जहां जहां विज्ञान का विकास हुआ है, जहां आर्थिक विकास हुआ है, जहां ह्यूमैनिटी इंडेक्स अच्छे है, वो सभी देशों में देखो, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, यूएस, कनाडा, उसमें नास्तिकों की संख्या ज्यादा है जो भगवान में बिलीव नहीं करते, और जहाँ जो देश पिछड़े हुए हैं उसमें आस्तिकों की संख्या ज्यादा है, जो आस्तिक ज्यादा है वहाँ विज्ञान का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, और लोगों के वो भी नहीं, एटीट्यूड ही वैज्ञानिक नहीं होता, कोई भी बात बनती है तो वो लोग वो सोचते हैं अपने धर्म ग्रंथ में जाके, अपने धर्म गुरु को जाके पूछते हैं, बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में और जहाँ जब डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ सब सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, उस पर रिसर्च करते हैं, उसका वैज्ञानिक तरीके से एनालिसिस करते हैं और वैज्ञानिक तरीके से उनका इलाज भी करते हैं, तभी वो आगे बढ़े हमसे, जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में और मिडल ईस्ट कंट्रीज देख लो, उनके पास इतनी इतना तेल था, इतने भंडारे, उनका माइंड कहाँ चला है, वो धर्म को बेच दिया उन लोगों ने अपना माइंड, इसलिए लोग वहां से तेल निकाल निकाल के दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड ले जाते और कमाते और उन्होंने विकास किया, बाकी जिन्होंने धर्म पे आस्था रखा और उसके चक्रों में फंस गए वो लोगों ने कभी भी आगे नहीं बढ़ा और ह्यूमैनिटी इंडेक्स में वो पीछे ही रहे, चाहे आप चाइल्ड लेबर को देख लो, एट्रोसिटीज ऑन वीमेन देख दो, ऊंच नीच के भेदभाव देख लो, सभी में अपने भारत का क्या पीछे से नंबर आता है, 110 में 115 में नंबर आता है, करप्शन पे देख लो, मुझे लगता है इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जैसे आपने अच्छे देशों की बात रखी जहाँ पे धर्मांधता एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और वो सारे अच्छे इंडेक्सेस पर ऊपर हैं, और दूसरी तरफ हैं वो देश जहाँ पे धर्मांधता एक बड़ी प्रॉब्लम है और वो सारे इंडेक्सेस पर नीचे हैं। मुझे लगता है लोगों को पढ़ाना लिखाना, एजुकेट करना और सोसाइटी को अच्छा बनाना मेहनत का काम होता है, तो जो धर्मांधता वाले देश होते हैं वहाँ के नेताओं को ये लगता है यार काम करने का मन नहीं कर रहा, आज सबको धर्म की घुट्टी पिला लेता हूँ, ये लोग ना सिर्फ अच्छी चीजों की उम्मीद करना बंद कर देंगे बल्कि अपने आप अपने पिछड़े हुए स्टेटस को डेवलप्ड देशों से ज्यादा बेहतर भी मानना शुरू कर देंगे। तो ऐसे हर धार्मिक देश में होता है कि ये लोग हो सकता है इनके पास मटेरियल सुख हो पर हमारे पास स्पिरिचुअलिटी है, तो ये भी होता है लोगों के मन को अच्छी तरह से गाड़ देना, पूरी तरह से इंटेलिजेंस को गाड़ देना। हाँ एक्चुअली क्या है कि मैं जो बताऊं तो उस तरीके से यहाँ पे धर्म का नाम लेके हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो धर्म है उसकी ज्यादा मानते हैं लोग। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि सर तो हमारे स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर है, वो बोलते हैं कि गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कचरे का ऐसे ही निकाल करना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि वो साइंटिफिक तरीका है, वो कचरे का निकालो एक साइंटिफिक वे है। तो यहाँ पे सर जो बोलते हैं उसका इफेक्ट तो सब पे होता है क्योंकि उनके चाहने वाले बहुत लोग हैं, बाकी लोग बोलते होता है, पर उससे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे होता है कि एक हमें एक प्लान बनाना पड़ा कि जहाँ भी धार्मिक संस्थान है वहाँ के जो भी धर्म गुरु है वो बोले कि हाँ ये मत करो, और उससे कुछ फर्क पड़ा तो उनकी आवाज वहां पे चलती है, तो इसी तरह से उसमें कुछ फर्क पड़ा कि धर्म ने बोला है ना, धर्म का नाम लेके करवाया है ना तो हो जाए। जैसे हमारे देश में धर्म के नाम पे बहुत कुछ होता है, सब कुछ सब लोग जानते हैं कि कुछ करवाना हो किसी से तो धर्म के नाम ले लेते हैं, तो कैसे वो इजीली ऐसे ही हो जाता है, तो ये बात है उसमें। बिल्कुल किसी ने कॉमेंट भेजा कि मैं अपनी क्लास छोड़ के आपको देख रहा हूँ, भैया आप लोग अभी एजुकेशन स्प्रेड करने की बात कर रहे थे ना, एजुकेशन की बैंड बन जाती है जी। अभी वो जो इसरो वाला एक क्वेश्चन उन्होंने सर ने दिया था, देख लो अच्छी बात है, लास्ट मत मिस करो, हाँ छोड़ो मत। तो वो इसरो वाली जो बात उन्होंने की, तो हमारे यहाँ एक क्या होता है कि जो कल्चर है ना वो धर्म से भी महान है, तो कल्चर में जो भी चीज जुड़ती जा रही है कि भाई ऐसा करना है, इस तरह से करना है, उस तरह से करना है, यही उसका वे है, ये स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, तो वो कल्चर के साथ एक बार जुड़ जाता है। अब वो सब लोग पढ़ लिए बहुत अच्छा, उनको पता है कि ये साइंटिफिक मैटर नहीं है कि नारियल फोड़ो और उसके बाद रॉकेट उड़ाओ, उससे उस पर फर्क पड़ेगा, ऐसा उनको पता है, पर क्या है कि एक सिस्टम बन चुका है कि सुबह उठ के पहले ब्रश करना है, फिर नहाना है, फिर उसके बाद कपड़े पहनने हैं, फिर ऑफिस जाना है, तो जैसे संस्कृति होती है वो
बहुत महान है, वो जुड़ी हुई है। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ का देना चाहूंगा कि यहाँ हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में गणेश स्थापना होती है, गणेश स्थापना के बाद फिर गणेश विसर्जन होता है, एक प्रोसेशन अच्छे से चलता है, उसमें बैंड बाजे, अभी तो डीजे और बहुत सारे लोग होते हैं, वो सब होता है। अब वो चीज किसी और धर्म में यहाँ पे नहीं थी, गोधरा में वो लोग नहीं करते थे, पर क्या हुआ कि ये देख लिया, अब वो कल्चर में आ गया, तो और धर्म वाले भी अपने रिचुअल्स में ऐसे ही डीजे लाते हैं, ऐसे ही ढोल वगैरह बाजा वगैरह लाते हैं, रोड पे प्रोसेशन निकालते हैं और तालाब के पास जाते हैं, ऐसा सब कुछ करते हैं। तो ऐसे जो प्रोसेस जो होती है वो हमारी संस्कृति के द्वारा हमारे अंदर आ जाती है और वो फॉलो करके ये करते हैं। अब उसके जो संस्कृति की वजह से आया वो तो ठीक है, पर उसका जो नुकसान क्या होता है कि वहां पे बैठा हुआ एक इंसान जो इतना एजुकेटेड है, साइंस को जानता है और वो करेगा, पूरा देश देखेगा, पूरा देश के सब लोग देखेंगे, तो वो उसको एक संस्कृति या इसके नजरिए से नहीं देखेंगे, वो उसके नजरिए से देखेंगे नहीं, उन्होंने भी नारियल फोड़ा और फिर ही सक्सेस हुए, तो ये मैसेज बहुत गलत जाता है। सही, कभी कभी ये धार्मिक किसने इसको त्योहार कॉम्पिटिटिव करने स्टुपिडिटी का, स्टुपिडिटी है, सर ये एक धार्मिक त्योहार जो लोग करते मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं, म्यूजिक, एक्चुअली इट्स अ चीपर वे ऑफ सेलिब्रेटिंग एंड एक्सप्रेसिंग देयर आनंद और ऐसे हैप्पीनेस, तो वैसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि तो वे लोग जो पुअर लोग है वो जा नहीं पाते क्लब में या कहीं रिसोर्ट पे या कहीं अच्छी जगह जाके अच्छा वो नहीं कर सकते, और सारे देसी दारू पीने का और प्रोसेसर में जुड़ जाने का, और कोई डांस डीजे बजता है उसमें पैसे नहीं देने का, आराम से लोगों के पैसे जो चंदा इकट्ठे किए उसमें डांस करने का, सेलिब्रेट करने का, दारू पीने का, खाने का, पीने का, और आराम से इज द इजिएस्ट वे टू गेट एंजॉयमेंट टू गेट एंटरटेनमेंट, ये भी हो सकता है, इज अनदर वे टू अंडरस्टैंड। यस ये तो गलत वाले अशरफ का अतिस्ट जी इसने लिखा है, कुरान में लिखा है सूरत धरती के चक्कर लगाता, इतना अंधविश्वास सर, ये कहते हैं सिंस गलत जो कुरान कहेगा वही मानेंगे, मेरी बहुत बस हुई है मौलवी से, ये तो कब से चल रहा है वो गलत बात, वो धार्मिक पुस्तक पे आधार पे जो वो होता है वो गलत है, वो गलत है और गलत उनको स्वीकारना चाहिए, उनको चेंज करना चाहिए, वो नहीं सर, होता सर इसमें ये जो उन्होंने लिखा है ना, उन्होंने बड़े जो स्कॉलर हैं उसके इस्लाम के जो स्कॉलर हैं बड़े चालाक हैं, शातिर हैं वो। उसमें लिखा है चांद और सूरज जो है वो चक्कर लगाता है। तो अभी इन्होंने क्या कर दिया कि चक्कर जो चांद तो चक्कर लगा ही रहा है धरती के, सूरज के बारे में उन्होंने कहा कि वो तो गैलेक्सी के लगा रहा है, उसके बारे में लिखा है। आज अचानक हो गया, मतलब जैसे ही साइंस ने पता किया कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, धर्म ग्रंथों का मतलब बदल गए। नहीं, लेकिन 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 वो जो आयत है वो दिन और रात के बारे में, उसके आप आगे पढ़ोगे तो वो दिन और रात की बात करती है, तो गैलेक्सी का सूरज जो चक्कर लगाता है दिन रात का कुछ लेना देना नहीं। आगे पीछे नहीं, क्या वो तो किससे छोड़ आप दिया एक बात, ना है हाँ जी, एक बात आप सोच लो कि अभी विज्ञान का प्रसार प्रसार कितना हुआ है कि उनको विज्ञान का सपोर्ट लेना पड़ता है अपनी ना। बात सही साबित करने के लिए। नहीं, बात असल में यह है कि उनको विज्ञान का उनको सहारा हमेशा से लेना पड़ा है, अभी ये हो रहा है सस्टेन करने कि के लिए, धर्म को आइडियोलॉजी को सस्टेन करने के लिए उनको वैज्ञानिक हाँ प्रिंसिपल्स का हाँ सपोर्ट लेना पड़ता है, जैसे खतना करने की बात है जो आगे से कट करते हैं, इस्लाम मुस्लिम कम्युनिटी वो बोलते हैं कि उससे कैंसर कम होता है, वो तो डिस्प्रूव हो गया अभी लास्ट 6 महीने पहले की बात, रिसर्च पेपर बता दे, इट इज नॉट फैक्ट, साइंटिफिक पेपर, पहले माना जाता है उससे कैंसर पेनिस का कम होता है, मगर वो लोग बता जो देखो उन्होंने 1250 साल पहले जो बताया था वो कैंसर का, अरे बाबा 100 साल पहले कैंसर क्या है वो किसी को पता नहीं था, तो उनको 1200 साल पहले कैंसर कम करने के लिए रिचुअल थोड़ी रखी थी, वे रिचुअल सम अदर पर्पस के लिए, सोशियोलॉजिस्ट वो वी डिस्क्राइब वी अंडरस्टैंड, अलग पर्पस के लिए उन्होंने ये प्रथा रिचुअल अपनाई थी, कैंसर कम करने के लिए नहीं थी, अगर ये बात अपनी सही है और साइंटिफिक ऐसा एस्टाब्लिश करने के लिए दे पुट फॉरवर्ड दिस साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक फैक्ट टू फेवर देयर फिलोसॉफी, टू फेवर देयर प्रिंसिपल्स, इट इज नॉट फैक्ट, एक्चुअली बिल्कुल कैंसर कम ऐसा करने के लिए सर्कमसिजन वॉज नॉट एक्सेप्टेड इन दोज डेज, 1250 साल पहले कैंसर ही, ऐसा ही किसी को पता ही नहीं था,
आजकल जो हिंदुइज्म के समर्थक हैं वो ये बहुत ज्यादा, खासतौर पर जो आर्य समाजी हैं, वो कहते हैं जो हवन है, हवन से वातावरण शुद्ध होता है, जबकि इनके पूरा टेक्स्ट, इनका जो रिलीजियस टेक्स्ट है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि हवन करने, हवन का पर्पज ये है कि इससे कि एटमोसफियर शुद्ध होता है, वो कहीं भी नहीं लिखा हुआ वहां पर। लेकिन आज चूंकि इनको इसको साइंटिफिक साबित करना है तो वो उस चीज को कहते हैं, हालांकि वो भी गलत है, ऐसा भी नहीं होता। मुझे कई बार लगता है कि धर्म और एड एजेंसीज एक ही तरह से काम करती हैं। जैसे एयर कंडीशनर से सीएफसी निकलता है, जिससे निकलता था, जिससे ओजोन लेयर को फर्क पड़ता था, आजकल जितने एयर कंडीशनर बिक रहे हैं सबके ऊपर एक हरा सा चिन्ह है और लिखा हुआ यह ग्रीन टेक्नोलॉजी है। क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्योंकि एनवायरमेंटल अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज बन गई है, हर कोई उसके ऊपर चढ़ के अपना आगे बढ़ना चाहता है। सो धर्म भी वही कर रहे हैं, जो भी चीज साइंस में, जो भी चीज साइंस में ऊपर को आती है उसके ऊपर घोड़े की तरह बैठ जाते हैं और आगे बढ़ जाते। मल्टीवर्स, क्वांटम मैकेनिक्स, जो भी साइंस में कटिंग एज है उसको पकड़ के अपने अंदर डाल लेते हैं। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स से मेरे को याद आया, आज विमो जी की मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट पढ़ी थी और बड़ी, बहुत ही बढ़िया थी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया था। मैं चाहूंगा कि विमो जी उसके ऊपर थोड़ा सा बोलें, क्योंकि मैं ये इस तरह की आर्गुमेंट बहुत सुनता रहा हूं, जो फेसबुक पे टाइम पर भी और अभी भी यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स को किसी तरह से अपने रिलीजन से जोड़ना चाहते हैं और वो बताते हैं कि भाई वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है, इससे जो है कॉन्शियसनेस प्रूफ हो जाती है कि कॉन्शियसनेस। मैंने असल में उसका साइंस के बारे में तो लिखा नहीं था, मैंने सटायरिक लिखा था। आपने आपने सरकास्टिक लिखा था हिंदुइज्म के बारे में। ह्यूमन जी, अगर स्क्रीनशॉट आपके पास तो जरा एक बार शेयर कर दें, मैं चाहूंगा विमो जी थोड़ा सा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी करता हूं, अभी करता हूं। उससे तब उससे पहले सर मैं एक बहुत बढ़िया एक कमेंट आया है अनामिका कंवर जी का, वो मैं पढ़ देता हूं, फिर हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। गौरी जी, आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। ह्यूमन विद साइंस एंड होल टीम इज डूइंग वेरी गुड वर्क, थैंक यू। और एक अर्पित जी, एक होता है ना कि हम देखते हैं सारे वीडियो के जो धार्मिक और धार्मिक साइंस साइंटिस्ट जो बैठे हुए हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे, वो वीडियो डालते हैं कि मंदिरों में हुआ चमत्कार और वैज्ञानिक भी हुए हैरान और विज्ञान भी हो गया परेशान, विज्ञान ने टेके घुटने। तो उनके लिए अनामिका जी का एक ये बहुत बेहतरीन कमेंट है, वो कौन से साइंटिस्ट हैं जो भारत के मंदिरों के रहस्य से हैरान हैं और खोज करते रहते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए। बिल्कुल, हमें जानना है उनसे, हमें भी मिलना, उनका इंटरव्यू करना हमने, वो कौन सी चीज थी जिससे वो घुटने टेक गए थे। मुझे उनके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स देखते हैं कि वो साइंटिस्ट है भी या नहीं है, पता नहीं, कोई सफेद कोट पहन के कोई भी अपने आप को कुछ भी बोल डालता है। सही जी, बिल्कुल, ये लोग किसी को भी साइंटिस्ट बना देते हैं। अभी कोई एक आर्य समाजी हैं, क्या नाम है उनका, ओम प्रकाश शर्मा शायद ऐसे कुछ नाम है, तो नासा में पता नहीं वो किस पद पे है, मैंने तो काफी सर्च करने की कोशिश की गूगल पे कि कुछ पता चल सके कि भाई वो नासा में किस पद पे रहे थे, कुछ अता पता नहीं चला, बस इतना पता है कि वो नासा के वैज्ञानिक हैं, जबकि उनकी कुछ ऐसी बैकग्राउंड हिस्ट्री पता नहीं चलती। नहीं, उसमें नासा का फुल फॉर्म नहीं दिया होगा ना, लिखा कुछ होगा नवीन अग्रवाल साइंस एसोसिएशन। हाँ, तो ये वो पोस्ट है जो जिसकी बात आप कर रहे थे। तो मेरा पॉइंट इस पे वो सब बेसिकली मैं ये कह रहा था कि जो लोग हिंदू धर्म को क्वांटम क्वांटम कहते रहते हैं वो सब सही थे और मैं गलत था। मैं आज समझ गया हूँ कि हिंदू धर्म को क्वांटम क्यों कहा जाता है, कि जब भी कोई ये कहता है कि जिन कानूनों को हम दूसरे धर्मों पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हिजाब बैन या कुछ और, वो हिंदू धर्म पर भी लागू होने चाहिए, तो हिंदू धर्म धर्म नहीं रहता, वो कल्चर बन जाता है। और जब भी हम ये कहते हैं कि ये कल्चर काफी शेपलेस है, इसके कई रूप हैं, पूरे देश में अलग अलग तरीकों से ये किया जाता है, तब लोग कहने लगते हैं नहीं नहीं ये धर्म है, और ये कुएलेस होके धर्म बन जाता है। तो ये एक सोशियो कल्चरल लेवल पे उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो रहा है, जब उसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता है तो वो धर्म रहता है, पर जब उसको सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो कल्चर बन जाता है। तो मैंने यही एक सैटायरिकल चीज लिखी थी जिसके बारे में अर्पित जी बात कर रहे थे। जी, असल में ये किसी बात के लिए श्योर नहीं होते। मैं सात तरह के कमेंट पढ़ता हूँ इनके, सात तरह के होते हैं, मतलब एक इस्लाम का मोमेंट होगा ना तो वो एक ही तरह की बात करते होते हैं ये। अच्छा, ये सर्टिफिकेट है जो इन एसोसिएशन दिया है इनको,
दोस्तों असल में ये जो चैनल है ह्यूमन विद साइंस, इसके पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे आप सभी हैं। और ये जो अवार्ड हमें डॉक्टर साहब ने आज दिया है, ये अवार्ड आप सबका है, इसके हकदार आप सब हैं, क्योंकि आप लोगों के जहन में जो बातें होती, जो लोग जितने भी रैशनल लोग हैं, हम आपके मन की ही बात करते हैं, आपके आपकी खोज की, आपके ज्ञान की ही बात करते हैं, कोई हम अलग से कुछ नहीं कहते। इसलिए आप हमारे साथ हैं, क्योंकि हम वो बात करते हैं जो मानवता को एक अच्छे भविष्य की तरफ लेके जाती है। तो ये जो अवार्ड मिला है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से डॉक्टर साहब का और अविनाश जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें इस काम के लिए जो हम काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अप्रिय काम है, बहुत से लोग इसे पसंद नहीं करते, कुछ एक जागरूक लोग ही इसकी इसके महत्व को जानते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि सभी लोगों को जो भी इस फील्ड में काम करते हैं उन्हें उत्साहित करना जरूरी होता है, क्योंकि डीमोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ है, हताश करने के लिए बहुत कुछ होता है हमारे पास, थका देने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं, ऊर्जा बहुत कम मिलती है, लेकिन मिलनी जरूर चाहिए कहीं ना कहीं से। आप लोगों के प्रेम से जो ऊर्जा मिलती है हमें काम करने में मदद करती है। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब के और अविनाश जी के, इनकी संस्था के, जिन्होंने हमें इसके लिए चुना। और ये अवार्ड आप सभी का है, इसके हकदार आप हैं, ये सब आपकी मेहनत भी है, क्योंकि आप लोग शेयर करते हैं, वीडियो देखते हैं और अपने ग्रुप्स में भेजते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। तो ये चैनल कोई व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं है, विचार है आप लोगों के, मेरे, सभी के, जो भी मानवता का बेहतर भविष्य चाहते हैं। जी बस इतना ही कहूँगा अभी तो, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों ने ये जो पहल की हमारे लिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू अविनाश जी। ये थैंक्स कहने की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो आप लोगों के साथ जुड़ जाना चाहते हैं। हम आपके सहयोग से, हम एक दूसरे के सहयोग से ये बातें पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं, इसलिए हम सहयोगी आपके कलीग्स है, और हम कुछ, दिस इज अवर ड्यूटी एंड इज अवर एम ऑल्सो, इट इज अवर मिशन, इज अवर मिशन कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग एक विचार देते हैं, एक साथ जुड़े और ये बातें और इफेक्टिवली फैलाए। और थैंक यू एवरीबॉडी, सब विमो जी का, आस्था मुक्ति जी का, मानव का, और सभी जो टीम में है वो सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू एंड थैंक यू बी विथ अस, बीइंग विथ अस, एंड मैं जुड़ना चाहूंगा आपको फ्रीक्वेंटली आपके साथ, और कभी भी हमारी जरूरत हो इसे काम में, तो वी विल बी द फर्स्ट टू कोऑपरेट विथ यू ऑल।